नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे लोक प्रशासन में संगठन के क्लासिकल सिद्धांत यानी शास्त्रीय सिद्धांत या शास्त्रीय विचारधारा के बारे में। जो शास्त्रीय विचारधारा है वो 20वीं शताब्दी के फर्स्ट हाफ जो है पूर्वार्ध में शुरू हुई थी, और इस विचारधारा का जो चरम है वो हम देख सकते हैं 1937 के गुलिक तथा उर्विक का जो पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिश हुआ, तब इसको हम ये कह सकते हैं कि ये चरमोत्कर्ष था। शास्त्रीय विचारधारा अन्य जो संगठन की विचारधाराएं हैं उनमें से कई मामलों में अलग है। जैसे टेलर ने अपने वैज्ञानिक प्रबंधन में लोअर लेवल को फोकस किया था, यानी जो किसी भी कंपनी में संगठन में जो कर्मचारी होते हैं लोअर लेवल पर, उन पर फोकस किया था टेलर ने, जबकि फेयोल ने टॉप लेवल पर यानी मैनेजर लेवल पर इसको फोकस किया था। और जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, कुछ लक्षण ऐसे हैं इसके शास्त्रीय विचारधारा के, वो है कि इसमें कार्य विभाजन पाया जाता है, इसमें व्यवस्था पाई जाती है, एक निश्चित सिस्टम होता है, आदेश की एकता पर बल दिया जाता है। टेलर जहाँ आदेश की बहुलता के समर्थक थे, वहीं पर हेनरी फेयोल आदेश की एकता के समर्थक है। इसमें क्लासिफिकेशन और एफिशिएंसी यानी कार्य कुशलता पर भी ध्यान दिया जाता है। तो इन मामलों में ये वैज्ञानिक प्रबंधन कई मामलों में वैज्ञानिक प्रबंधन से अलग है। क्लासिक थियोरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन का शास्त्रीय सिद्धांत, उसमें लोग ये मानते हैं कि जो भी विचारक हैं उनके अनुसार प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो सार्वभौमिक होता है। यानी सब तरह का कोई भी संगठन हो उसमें एडमिनिस्ट्रेशन एक ही रहेगा। प्रशासन सार्वभौमिक होता है, प्रशासन केवल प्रशासन होता है। प्रशासन को किसी भी संगठन में, चाहे वह निजी हो चाहे वह लोक हो, सब में क्लियरली लागू किया जा सकता है। और प्रशासन प्रशासन होता है। विचारक, इसके विचारक हैं वो हेनरी फेयोल, इसके सबसे प्रमुख विचारक हैं, एल उर्विक, लूथर गुलिक, जे डी मुने और रेले, एम पी फोलेट तथा आर सेल्टन इसके प्रमुख विचारकों में आते हैं। संगठन का शास्त्रीय सिद्धांत, शास्त्रीय विचारधारा भी कहते हैं, इसके कई नाम हैं। शास्त्रीय सिद्धांत के जो अन्य नाम हैं वो है कि इसको परंपरागत सिद्धांत कहते हैं, ट्रेडिशनल थियरी क्योंकि ये नियमों पर ज़्यादा बल देता है, इसको औपचारिक संगठन सिद्धांत कहा जाता है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन थियरी, इसको यांत्रिक सिद्धांत भी कहा जाता है, मैकेनिस्टिक थियरी, एक अन्य नाम है स्ट्रक्चरल थियरी यानी संरचनात्मक सिद्धांत, इसको मैनेजमेंट प्रोसेस स्कूल भी कहा जाता है, और मार्च और साइमन ने इसको प्रशासनिक प्रबंध सिद्धांत कहा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कि क्लासिकल थियरी यानी क्लासिकल थियरी जो है शास्त्रीय सिद्धांत विचारधारा है, उसके अन्य नाम कौन कौन से हैं। तो ट्रेडिशनल थियरी, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन थियरी, मैकेनिस्टिक थियरी, स्ट्रक्चरल थियरी, मैनेजमेंट प्रोसेस स्कूल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थियरी, ये शास्त्रीय विचारधारा के अन्य नाम हैं। हेनरी फेयोल को प्रशासनिक सिद्धांतों के जनक कहते हैं। हेनरी फेयोल वो प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रशासनिक सिद्धांतों की विचारधारा को प्रतिपादित किया। ये पेशे से फ्रांस की माइनिंग इंजीनियर थे, यानी फ्रांसीसी खनन अभियंता थे, फ्रेंच एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर थे। इनको क्लासिकल थियरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ क्लासिकल थियरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, प्रशासनिक विचारों का जनक इनको कहा जाता है। हेनरी फेयोल प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने यूरोप में प्रशासनिक सिद्धांतों पर एक आइडियोलॉजी का जन्म दिए। इनके अनुसार एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट के बराबर होता है, यानी एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट में कोई अंतर नहीं होता, प्रशासन और प्रबंधन दोनों एक समान होते हैं, ये हेनरी फेयोल मानते हैं। इनके अनुसार प्रशासन किसी भी प्रकार का हो, चाहे वह सार्वजनिक हो चाहे निजी हो, यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में कोई भेद नहीं होता,
फियोल के अनुसार। फियोल ने ये कहा है कि अब हमारे सामने अलग अलग प्रकार के प्रशासनिक विज्ञान नहीं है, बल्कि ओनली वन एडमिनिस्ट्रेशन, केवल एक ही प्रकार का प्रशासनिक विज्ञान है जिसको सभी संगठनों में लागू किया जा सकता है, वो संगठन चाहे निजी हो चाहे सार्वजनिक हो। फियोल ने एडमिनिस्ट्रेशन को एक यूनिवर्सल प्रोसेस कहा है। यूनिवर्सल कहने का तात्पर्य ये है कि चाहे किसी भी प्रकार का संगठन हो, सब जगह लागू किया जा सकता है समान रूप से। इसी कारण प्रशासन को सार्वभौमिक प्रक्रिया कहा है हेनरी फियोल ने। हेनरी फियोल ने प्रशासन को समझाने के लिए इंटीग्रेटेड अप्रोच अपनाई है। इंटीग्रेटेड अप्रोच क्या होती है? इसमें संगठन के जो भी लेवल होते हैं, जैसे ये टॉप लेवल है, ये आपका लोअर लेवल है और ये मिडल लेवल है, तो हेनरी फियोल के अनुसार प्रशासन सब लोगों की गतिविधियों का भाग है, यानी सारे कर्मचारियों को हम इंक्लूड करेंगे इसमें। और ये विचारधारा विकासशील देशों के लिए बहुत उपयुक्त है। हेनरी फियोल प्रशासन की एकीकृत दृष्टिकोण को या एकीकृत विचारधारा को मानते हैं, जबकि अन्य कुछ विचारक ऐसे भी हैं जो प्रबंधकीय विचारधारा को मानते हैं। तो टेलर और फियोल में यह एक अंतर विशेष जान पड़ता है कि जहाँ टेलर का अध्ययन संगठन के लोअर लेवल पर केंद्रित था, लोअर लेवल पर, वहीं फियोल का अध्ययन है वो टॉप लेवल पर केंद्रित था, लेकिन थोड़ा सा व्यापक था। अब फियोल में दो ऐसी बातें हैं जो हम विशेष रूप से याद रखने लायक है कि फियोल की आइडियोलॉजी ये कहती है कि एडमिनिस्ट्रेशन इज इक्वल टू मैनेजमेंट, यानी एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट में कोई भेद नहीं करती। जबकि दो अन्य आइडियोलॉजी इसके बारे में क्या है, एक तो क्या मानती है कि एडमिनिस्ट्रेशन इज ग्रेटर देन मैनेजमेंट, कि एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट से बड़ा होता है, तो वह विचारधारा तो ऐसे कहती है कि एडमिनिस्ट्रेशन बड़ा है और मैनेजमेंट उसका पार्ट है। एक विचारधारा ऐसी है जो ये कहती है मैनेजमेंट इज ग्रेटर देन एडमिनिस्ट्रेशन, उस विचारधारा में एम को बड़ा माना जाता है जबकि ए को छोटा माना जाता है। अब ये जो बीच वाली विचारधारा है ए इज इक्वल टू एम, ए बराबर एम, ये विचारधारा फियोल की विचारधारा है जिसमें ये माना गया है कि प्रशासन और प्रबंध दोनों एक ही बात है। ये फियोल के रूप में विशेष बात है जो हमें याद रखनी चाहिए। ये हेनरी फियोल, इनका काल 1841 से 1925 तक, और ये इनकी बुक, वेरी फेमस बुक इन द फील्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। जब ये किताब लिखी गई थी तो इसमें मैनेजमेंट शब्द नहीं था, एडमिनिस्ट्रेशन वर्ड था। सबसे पहले ये किताब फ्रेंच में लिखी गई थी, चूँकि हेनरी फियोल फ्रांसीसी के विचारक हैं, फ्रांसीसी प्रशासनिक विचारक हैं, तो पहली बार ये फ्रेंच भाषा में ही लिखी गई, और इसकी जो प्रस्तावना है वो उर्विक ने लिखी थी। जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, ये सबसे पहले फ्रांस में 1916 में पब्लिश हुई थी, पब्लिश्ड इन 1916, सबसे पहले फ्रांस में पब्लिश हुई थी और फ्रेंच भाषा में पब्लिश हुई। तो कुछ अमेरिकन्स को अच्छा नहीं लगा, तो कुछ दिनों के पश्चात, कुछ वर्षों के बाद इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ, अंग्रेजी में इसको अनुदित किया गया। जब इसका अनुवाद हुआ अंग्रेजी में, तो फ्रेंच भाषा में जो एडमिनिस्ट्रेशन वर्ड था उसको चेंज करके मैनेजमेंट शब्द आ गया। ये वाला मैनेजमेंट शब्द है, ये 1929 में इसके अंग्रेजी अनुवाद में आया। और इस पुस्तक की, जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, जो कि 1916 में पब्लिश हुई थी, उस पुस्तक की प्रस्तावना उर्विक ने लिखी थी। ये वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा गया है। जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, ये बुक का पेज है, बुक के अंदर से लिया हुआ पेज है, जिसमें हम देख सकते हैं कि हेनरी फियोल खुद लिखते हैं, माय वर्क विल बी डिवाइडेड इनटू फोर पार्ट्स, जिसमें से दो पार्ट तो पब्लिश हुए थे और थर्ड और फोर्थ पार्ट कभी भी पब्लिश नहीं हो पाए। पार्ट्स थर्ड एंड फोर्थ वर नेवर पब्लिश्ड।
ये उस बुक का फर्स्ट पेज है, एडमिनिस्ट्रेटिव आइडियाज ऑफ हेनरी फेयोल। जब भी हम किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो हमें हेनरी फेयोल के प्रशासनिक विचार पूछे जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव आइडियाज। एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट के बराबर है, फर्स्ट थिंग, ए इज इक्वल टू एम। जब भी हेनरी फेयोल पढ़ेंगे तो हमें ये ध्यान रखना है कि एडमिनिस्ट्रेशन को इक्विलेंट मानते हैं मैनेजमेंट के। वो खुद कहते हैं अब हमारे सामने कई प्रशासनिक विज्ञान नहीं है, हमारे सामने एक ही प्रकार का प्रशासन है जिसको सभी संगठनों में समान रूप से लागू किया जा सकता है, चाहे वह पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो या प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कोई भी मामला हो, चाहे पब्लिक अफेयर हो या प्राइवेट अफेयर हो, वन एडमिनिस्ट्रेशन दैट कैन बी अप्लाइड टू एवरी मैटर, ये मानते हैं। फेयोल ने टॉप लेवल मैनेजमेंट का अध्ययन किया था, जबकि इनके जो अन्य विचारक थे उस समय, वैज्ञानिक प्रबंध विचारधारा के वैज्ञानिक जो थिंकर थे, टेलर, उन्होंने लोअर लेवल पर काम किया था और फेयोल ने टॉप लेवल पर काम किया था। एडमिनिस्ट्रेशन को उन्होंने यूनिवर्सल प्रोसेस बताया था, यानी सार्वभौमिक प्रक्रिया, और सार्वभौमिक कहने का कारण यही है कि ये सब जगह पाई जाती है, प्रशासन सब जगह सब स्तर पर, ऑल लेवल्स पर प्रशासन की आवश्यकता होती है, हर संगठन को होती है, सबको होती है। और इन्होंने ये भी कहा था कि चाहे कोई भी संगठन हो, चाहे वह सरकारी संगठन हो, चाहे निजी संगठन हो, सब जगह एडमिनिस्ट्रेशन एक ही प्रकार का होता है। जिस प्रकार टेलर की विचारधारा को टेलरिज्म कहते हैं, उसी प्रकार से फेयोल की विचारधारा को फेयोलिज्म या फेयोलवाद कहते हैं। जिस प्रकार टेलर की विचारधारा को टेलरवाद कहते हैं, इसी प्रकार फेयोल की विचारधारा को फेयोलवाद कहते हैं। तो ये टेलर के और फेयोल के कुछ डिफरेंसेस हैं। उसके बाद जब हम पढ़ते हैं कि कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ फेयोल, जब भी फेयोल का योगदान पढ़ेंगे तो हम उसके तीन टॉपिक में पढ़ेंगे, तीन टॉपिक्स। उसमें फेयोल ने ये बताया था कि कोई भी इंडस्ट्रियल जो उपक्रम है, औद्योगिक उपक्रम है, उसकी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनको छः भागों में डिवाइड किया जा सकता है, सिक्स कैटेगरीज में। वो कौन सी है? टेक्निकल, कॉमर्शियल, सिक्योरिटी रिलेटेड, फाइनेंशियल, अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट। इनका क्रम TCF, SAM, ये क्रम है। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं एज फैक्ट, ये एक तरीका है याद रखने का, अभी हम आगे देखेंगे। औद्योगिक उपक्रम की गतिविधियों का विभाजन, तो इसको फेयोल ने सिक्स कैटेगरीज में डिवाइड किया है। प्रशासन या प्रबंध के तत्वों को फेयोल ने पांच भागों में, उनको पांच तत्व बताए हैं, ये POCCC वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फेयोल के हिसाब से, और प्रशासन के सिद्धांत हैं वो इन्होंने 14 दिए हैं। तो ये हमें 6, 5, 14, ये फेयोल के तीन जो मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन के पॉइंट हैं, इनको याद रखना चाहिए। और वो कौन कौन सी गतिविधियाँ हैं वो देख लेते हैं। पहली गतिविधि है टेक्निकल एक्टिविटी, और दूसरी है कॉमर्शियल, तीसरी फाइनेंशियल, चौथी सिक्योरिटी रिलेटेड, पांचवी अकाउंटिंग, और छठी है मैनेजेरियल या एडमिनिस्ट्रेशन। चूँकि एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट को फेयोल एक ही मानते हैं, इसलिए इसमें मैनेजेरियल और एडमिनिस्ट्रेटिव को रखा गया है। सबसे पहले देखते हैं कि कोई भी जो संगठन होता है उस संगठन में कुछ प्रकार की एक्टिविटीज़ होती है, कोई ना कोई गतिविधि तो निश्चित होगी वहाँ पर। तो उनमें सबसे पहले लोअर लेवल पर, निचले स्तर पर फेयोल ने तकनीकी गतिविधियों को रखा है। जैसे किसी भी संगठन में प्रोडक्शन का काम हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, एडेप्टेशन हो, कोई नई टेक्नोलॉजी है उसका अनुकूलन करना हो, विनिर्माण का काम हो, उत्पादन का काम हो, तो उसमें टेक्निकल सपोर्ट चाहिए किसी भी संगठन में। उसके बाद उस संगठन का कुछ कमर्शियल बैकग्राउंड होना चाहिए, जैसे उस वहाँ पर कोई प्रोडक्ट बन रहा है अगर, तो उसको बेचने की व्यवस्था, उसको खरीदने की व्यवस्था, उसकी मार्केटिंग, सेलिंग की जो टेक्निक है वो भी वहाँ पर अप्लाई करनी होगी, कि उसकी मार्केटिंग कैसे की जाए, विदाउट मार्किंग एंड एडवर्टीजमेंट, मार्केटिंग और एडवर्टीजमेंट के बिना हम कुछ कर भी नहीं सकते। फिर उसके पास रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज होने चाहिए, पैसा,
जिसको हम पूंजी कहते हैं वो होनी चाहिए, फाइनेंशियल रिसोर्स का कैसे मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करें। सबसे अच्छा तरीका उन्होंने बताया है कि जो भी रिसोर्सेज हैं आप उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं। फिर अगर कोई संगठन है तो उसमें कर्मचारी होंगे यानी कार्मिक होंगे, और एक संगठन की प्रॉपर्टी होगी, संपत्ति होगी, तो इन दोनों की सुरक्षा के लिए भी कुछ एक्टिविटीज़ ज़रूरी है, जैसे प्रॉपर्टी की, एम्प्लॉयज़ की सुरक्षा भी ज़रूरी है, ये भी मैनेजेरियल एक्टिविटीज़ में रखा है फ्योल ने। अकाउंटिंग, लेखांकन, जब सब कुछ इतना फाइनेंशियल रिसोर्स लगाए जा रहे हैं तो उसका एक स्टॉक होगा, उसको मेंटेन करना पड़ेगा, उसका कॉस्ट डिपार्टमेंट होगा, स्टैटिस्टिक्स, आंकड़े मिलाने पड़ेंगे, उसका हिसाब रखना पड़ेगा, और जो वित्तीय अनियमितताएँ अगर कहीं भी होती है तो उनका ध्यान भी रखा जाना चाहिए मैनेजेरियल एक्टिविटीज़ में। अकाउंटिंग यानी लेखांकन गतिविधि को भी शामिल करते हैं। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द लास्ट वन इज प्रबंधकीय या प्रशासनिक, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, मैनेजेरियल एक्टिविटीज़ या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़, जिसमें उन्होंने फर्दर 5 एक्टिविटीज़ को इंक्लूड किया है, यानी ये 6 तो हैं ही, और इसमें जो लास्ट वाली एक्टिविटी है उसमें फिर से इन्होंने 5 जिनको प्रशासन के या प्रबंध के तत्व कहा है, कार्य कहा है, उनको भी इन्होंने इंक्लूड किया है। ये एक जो फेयोल की बुक है उसमें एक डायग्राम है, टेबल दी हुई है जिसमें 2, और इसमें इन्होंने ये बताया है कि टेक्निकल फंक्शन और इंडस्ट्रियल कंसर्न और ये टेक्निकल फंक्शन, ये दोनों किस प्रकार से वेरी करते हैं और उनका किस प्रकार से रोल होता है। अब यहाँ पर एक संगठन है और यहाँ पर भी एक संगठन है। इस तरफ एबिलिटीज़ दी हुई है, एबिलिटीज़ तो मैनेजेरियल, टेक्निकल, कॉमर्शियल, फाइनेंशियल, सिक्योरिटी, अकाउंटिंग, मैनेजेरियल, टेक्निकल, कॉमर्शियल, फाइनेंशियल, सिक्योरिटी, अकाउंटिंग, ये 6 एबिलिटीज़ लेफ्ट साइड में दे रखी है। आप इसमें पहली पिक्चर में देखें कि यहाँ पर मैनेजर के लिए 40% दिया हुआ है वेटेज यहाँ पर, लेकिन ये आगे आगे चलकर 35 हो जाता है, 35 के बाद 30 हो जाता है, 30 के बाद 25 हो जाता है, 25 के बाद 15 हो जाता है, और यहाँ आकर ये 5% हो जाता है। तो ये जो बंदा है, ये व्यक्ति है, ये वर्कमैन है, ये संगठन का वो व्यक्ति है जो सबसे लास्ट में श्रमिक, वर्कमैन, यहाँ पर मैनेजेरियल क्वालिटी आपको 5% ही चाहिए, और जो एक्चुअल मैनेजर है, जो व्यवस्थापक है, प्रबंधक है, वहाँ पर मैनेजेरियल क्वालिटी 40% चाहिए। अब यहाँ पर टेक्निकल की रिक्वायरमेंट 15 है, फिर यहाँ बढ़कर 30 हो जाती है, फिर 30, यहाँ 45, 60 और 85, तो यहाँ पर टेक्निकल क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो टेक्निकल क्वालिटीज़ बढ़ जाने का मतलब है कि टेक्निकल क्वालिटीज़ लोअर लेवल पर मानी जाती है, लोअर लेवल पर। अब इसी प्रकार जो दूसरा है इंडस्ट्रियल कंसर्न ऑफ ऑल साइजेज, इसमें दे रखा है कि ये मैनेजेरियल, टेक्निकल, कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ है, इसमें अगर कोई स्टेट का अंडरटेकिंग है यानी राज्य का उपक्रम है, राज्य यानी बहुत बड़े देश का उपक्रम है, तो उसमें मैनेजेरियल का रोल 60% रहेगा, फिर वेरी लार्ज फर्म में इसको 50% कर दिया गया है, फिर लार्ज फर्म है तो 40%, फिर मीडियम साइज फर्म है यानी कि अगर छोटी मीडियम साइज कंपनी होगी तो 30%, फिर अगर और छोटी कंपनी है तो 25%, और वन मैन एंटरप्राइज है, अगर वन मैन एंटरप्राइज जिससे हम कह सकते हैं एक आदमी का एंटरप्राइज, वन मैन एंटरप्राइज, तो उसमें क्या बताया गया है कि उसमें तो आपके ये 15% ही चल सकता है। तो ये वाला जो टेबल है ये आपको बताती है कि किस प्रकार हम मैनेजेरियल से लेके टेक्निकल में इसको बिलीव कर सकते हैं, और ये जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में बताया गया है। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के फंक्शन, मैनेजमेंट यानी प्रबंधन और उसके फंक्शंस, कार्य, कार्य कौन कौन से हैं मैनेजमेंट के, तो मैनेजमेंट के वो काम वही हैं जो टेलर फेयोल ने बताए हैं, टेक्निकल, कॉमर्शियल, फाइनेंशियल, सिक्योरिटी रिलेटेड, अकाउंटिंग और मैनेजेरियल। एलिमेंट्स होते हैं, जो तत्व होते हैं, वो मैनेजमेंट के फंक्शंस कहलाते हैं, मैनेजेरियल।
ये छह जो गतिविधियां बताई है उन्होंने, उनके बारे में है कि छह गतिविधियां कौन कौन सी है। इनको हम इसको एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ पर कि ये टेक्निकल टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं, ये टेक्निकल एक्टिविटी है। दूसरी यहाँ पर कॉमर्शियल एक्टिविटी है, जहाँ पर किसी भी प्रोडक्ट को जो बाइंग सेलिंग यानी बेचा जाता है, खरीदा जाता है और उसकी मार्केटिंग की जाती है, तो ये उसकी सेकंड एक्टिविटी है। ये थर्ड एक्टिविटी है, ये है फाइनेंशियल फाइनेंशियल एक्टिविटी कि रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे, कौन कलेक्ट करेगा, कितना कहाँ खर्च होगा, ये सब। और ये है सिक्योरिटी रिलेटेड, क्योंकि कोई भी बैंक हो या कंपनी हो तो उसके जो भी एसेट्स हैं, जितने भी एसेट्स होंगे, संपत्ति होगी, उनकी रक्षा करनी पड़ेगी। तो ये सिक्योरिटी कंसर्न भी होता है किसी भी कंपनी का, किसी भी औद्योगिक उपक्रम का, वहाँ पर उसको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। अकाउंटिंग में कोई भी कंपनी ये नहीं चाहेगी कि उसके जो वित्तीय संसाधन है उनका दुरुपयोग किया जाए। तो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी अकाउंटिंग करनी पड़ेगी, उसका लेखा जोखा, उसका हिसाब रखना पड़ेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो एक मैनेजर का होता है किसी भी संगठन में, एक प्रबंधन का होता है, उसको आप CEO कह सकते हो, या गवर्नमेंट की भाषा में कहें तो कोई जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, वेदर ही इज़ ए और सी इज़ एन RAS, कुछ भी IAS RAS कुछ भी हो सकता है। तो ये CEO के इस हिसाब से वो मैनेजर किस प्रकार से काम करवाता है, उसको कुछ अलग से काम करवाने पड़ते हैं, उनके बारे में अभी पढ़ेंगे। मैनेजेरियल एक्टिविटीज़ को कौन सी तो हायर लेवल की है और कौन सी लोअर लेवल की है, इस पर हमें ये ध्यान देना है कि टेक्निकल एक्टिविटी जो होती है, तकनीकी गतिविधि, ये लोअर मानी जाती है, लोअर। और जो मैनेजेरियल एक्टिविटीज़ है, मैनेजेरियल एक्टिविटीज़ यानी प्रबंधकीय गतिविधि या प्रशासनिक गतिविधि, इसके लिए ए आया है और प्रबंधकीय के लिए एम आया है। ये गतिविधि हायर लेवल की है। लोअर लेवल की टेक्निकल एंड मैनेजेरियल जो है वो हायर लेवल की है, मैनेजेरियल और एडमिनिस्ट्रेटिव हायर लेवल की है। मैनेजेरियल या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी है, उसमें पांच प्रकार के एक्टिविटी या कार्य कह सकते हो, मैनेजमेंट के कार्य, एडमिनिस्ट्रेशन के कार्य, प्रबंध के कार्य, ये रखे गए हैं। पहला है प्लानिंग, दूसरा ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा कमांड, कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल। अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, शुरू में तो नहीं होती, POCCC। जब भी हम ऐसा लिखेंगे POCCC, तो इसमें प्रॉब्लम यहाँ आएगी कि कौन सा सी पहले आया है, कितने सी हैं, तो व्यक्ति भूल जाता है, स्टूडेंट्स अक्सर भूल जाते हैं। तो देखो, इसमें CO सब में है, CO, फिर आगे आप देखो, एक में M है, एक में N है, एक में O है, CO सब में है, फिर एक में N है, एक में N है, एक में O है। यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि COM कमांड है, O के साथ ऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट हो गया, और यहाँ पर कंट्रोल है। ये तीनों में कन्फ्यूजन रहता है जनरली, जो बच्चे फर्स्ट टाइम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ रहे हैं उनको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। एक बार आपके रूटीन वर्क में आ जाता है तो उसके बाद कन्फ्यूजन नहीं रहता। कमांड, कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल, कमांड, कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल, इसमें कंट्रोल वाला लास्ट याद रखना है। कमांड थर्ड, फोर्थ कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल। तो ये पांच एक्टिविटी है POCCC। ये कहते हैं कि कोई भी मैनेजर हो या एडमिनिस्ट्रेटर हो, यानी मैनेजरियल या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ के रूप में ये पांच मस्ट है। प्लानिंग, किसी भी संगठन में प्लानिंग ज़रूरी है, क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, कौन करेगा, कैसे पैसे आएंगे, कैसे खर्च करेंगे। सेकंड, आपके जो ऑर्गेनाइजिंग है, संगठित करना है। फर्स्ट प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग कमांड करना, आदेश देना, कोऑर्डिनेटिंग समन्वय करना और कंट्रोल करना, ये फाइव एक्टिविटीज़ है इम्पोर्टेंट। ये प्लानिंग सबसे पहले एक्टिविटी, प्लानिंग टू 4C, आगे का देखना। प्लानिंग का मतलब ये होता है कि हम कुछ चीज़ प्लान कर रहे हैं कि हम कैसे करेंगे। इसके लिए एक शब्द है प्रीवॉयर, ये फ्रेंच वर्ड है, इसका मतलब होता है आगे की ओर देखना।
टू फोर सी, योजना बनाना। किसी भी काम को करने से पहले प्रशासक या प्रबंधक को क्या करनी पड़ती है, योजना बनानी पड़ती है। उस योजना का पूर्वानुमान लगाना पड़ता है कि हम आगे करेंगे कौन सा काम, हमारे पास संसाधन कैसे आएंगे, कौन करेगा, कैसे करेगा, कब करना है और कैसे करेंगे हम। आगे की ओर देखना, आगे की ओर देखना। नियोजन का मतलब ये होता है, प्लानिंग को हिंदी में नियोजन कहा जाता है, और नियोजन का मतलब ही यही होता है कि आगे की ओर देखना है। आगे की मतलब हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं किसी काम को करने की, हमारे पास क्या क्या संसाधन है। नियोजन को फ्योल ने प्रबंध का एक बहुमूल्य उपकरण कहा है। नियोजन की कुछ लोग ऐसे मानते हैं कि अगर आपकी प्लानिंग सही है तो आपका 50% काम तो वहीं हो जाता है, तो फ्योल ने भी इसको बहुत प्रमुखता दी है प्लानिंग को। तो फर्स्ट एक्टिविटी आपके पी ओ सी 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 में प्लानिंग है। सेकंड है आपके ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है किसी भी संगठन में एक सिस्टम डेवलप करना, एक व्यवस्था बनानी। तो हमारे पास किसी भी संगठन में दो प्रकार के रिसोर्सेज होते हैं, संसाधन होते हैं। एक होते हैं हमारे पास मानवीय संसाधन, एक होते हैं हमारे पास भौतिक संसाधन। मानवीय संसाधनों को हम कर्मचारी कह सकते हैं, और एक हमारे पास होते हैं भौतिक संसाधन, सुख सुविधाओं वाले जितने भी होते हैं, चाहे वो लाइट पानी से जुड़े हुए हो, सड़क से जुड़े हुए हो, किसी भी प्रकार के भौतिक संसाधन, चाहे वो टेबल कुर्सी भी हो, कुछ भी हो, सब प्रकार के भौतिक संसाधनों में सम्मिलित किए जाते हैं। तो इन दोनों प्रकार के संसाधनों को बढ़ाना किसी भी संगठन का टारगेट हो सकता है। और उस संगठन में आपने देखा होगा कि बहुत सारी वेबसाइट्स होती है गवर्नमेंट की, तो उसमें आपको यहाँ पर एक सीईओ और फिर उसके नीचे ऐसे ऐसे करके एक चार्ट बना होता है, एक चार्ट। वो चार्ट क्या बताता है, वो चार्ट बताता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन में किस प्रकार से व्यवस्था रहेगी, कौन कौन, ऑफिसर वन, ऑफिसर टू, ऑफिसर थ्री, ऑफिसर फोर, फिर उसके नीचे भी सबऑर्डिनेट्स होते हैं, सबऑर्डिनेट वन, सबऑर्डिनेट टू, ऐसे। तो ऐसे ऑफिसर्स होते हैं, तो वो ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट जो होता है, संगठनात्मक चार्ट, वो ऐसे बताता है कि किसी भी संगठन में हमें कौन सा पद कहाँ पर है, कौन सा काम कहाँ होगा, कितने सेक्शन हैं उसके, वो पूरी जानकारी हमें ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट यानी संगठनात्मक चार्ट से मिल जाती है। फिर स्टाफ की अपॉइंटमेंट है कि कोई भी काम करना है, प्लान कर लिया तो उसकी हम व्यवस्था कैसे करेंगे, उसमें कार्मिकों को कैसे लाएंगे, उनका अरेंजमेंट को भी उसने रखा है। कमांड। कमांड शब्द मूलतः सैन्य शब्दावली है, मिलिट्री साइंस से ये लिया जाता है, और इसका अर्थ होता है आदेश देना, आदेश देना, कमांड। आदेश देने की कला जो होती है वो हर व्यक्ति में अलग अलग होती है। जैसे दो अधिकारी हैं, एक ए है और एक बी है, तो ए अधिकारी की बात सब लोग मान लेते हैं, उसके अधीनस्थ कर्मचारी, लेकिन बी की नहीं मान पाते। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बी में आदेश देने की कला नहीं है, या उसको आदेश को, अपने आदेश को मानने की, मनवाने की कला बिल्कुल भी नहीं है। तो ये जो कला है इसको फ्योल ने प्राथमिकता दी है कि आदेश देने की कला हर व्यक्ति में अलग अलग होती है। किसी भी संगठन में कर्मचारियों को, कार्मिकों को उस संगठन के उद्देश्यों से जोड़ना जरूरी है। अगर उनको उद्देश्यों से नहीं जोड़ा गया तो संगठन के उद्देश्य पूरे नहीं होंगे। तो अगर संगठन के उद्देश्यों से जोड़ दिया आपने कार्मिकों को, तो संगठन अपना जो भी लक्ष्य सोचता है वो प्राप्त कर लेता है। अगली गतिविधि, अगला कार्य प्रबंध का कोऑर्डिनेट का है। कोऑर्डिनेट का मतलब ये है कि बहुत सारे संगठन में सिस्टम होते हैं, उसमें विभाग होते हैं, उसमें विभागों में इकाइयां होती है, तो इन सब के बीच में एक व्यक्ति या किसी भी तरीके से एक कोऑर्डिनेशन का काम होना चाहिए, समन्वय बना रहना चाहिए। अगर समन्वय नहीं होगा तो काम इजीली नहीं होंगे, और एक हारमनी बनी रहनी चाहिए, एक सामंजस्य बना रहना चाहिए, तालमेल बना रहना चाहिए, तभी संगठन के सारे जो यूनिट्स हैं वो अच्छी तरीके से काम कर पाएंगे। एग्जाम्पल जो कोऑर्डिनेशन का दिया जाता है वो इस प्रकार से दिया जाता है कि जैसे कोई भी गवर्नमेंट की स्कीम है, सरकार की स्कीम है, तो उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट मिलके भी कई काम करते हैं, जैसे शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, राजस्व विभाग, पंचायती राज, रूरल डेवलपमेंट, ऐसे बहुत सारे काम हैं। जैसे सरकार कैंप लगाती है,
एक गांव में कैंप लगाती है, तो वहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि वहाँ पर स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी भी उपलब्ध रहते हैं, वहाँ पर राजस्व विभाग के कार्मिक भी रहते हैं, वहाँ पर पंचायती राज के कार्मिक भी रहते हैं, वहाँ ग्रामीण विकास वाले भी रहते हैं। तो सारे लोग मिलकर सरकार की किसी योजना का क्रियान्वयन करते हैं, उसको आराम से वो पूरा करते हैं। तो वो सारा काम कोऑर्डिनेशन का होता है, और बिना तालमेल के कोई भी संगठन है वो स्थायी रूप से अस्तित्व में नहीं रह सकता। कंट्रोल करना, ये लास्ट काम प्रबंध का कहा जा सकता है। इसमें ऐसा माना जाता है कि किसी भी संगठन की कमजोरियों को पहचाने, कमजोरियों को आइडेंटिफाई करें, और उसके बाद ये पांच काम ये माने जा सकते हैं कि इनके माध्यम से वो संगठन में कंट्रोल रख सकते हैं। कोई भी प्रशासक या प्रबंधक, वो किसी भी काम का अवलोकन करें, उसकी निगरानी करें, जांच भी करें, और लेखा परीक्षण और फीडबैक लेवें, प्रतिपुष्टि फीडबैक। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी है जो कंट्रोल में पांच कार्यों के तहत रखी जाती है: अवलोकन, निगरानी, जांच, लेखा परीक्षण और प्रतिपुष्टि। तो ये आपका POCCC, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेट और कंट्रोल, हेनरी फ्यूल के 14 सिद्धांत। जब भी हम हेनरी फ्योल को पढ़ते हैं, तो उसमें फ्योल के योगदान को तीन हेडिंग्स या तीन शीर्षकों के तहत हम उसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला है औद्योगिक उपक्रम की गतिविधियों का विभाजन। औद्योगिक उपक्रम की गतिविधियों को हेनरी फ्योल ने 6 भागों में विभाजित किया है। और उसके पश्चात दूसरा जो शीर्षक है वो है कि हम प्रशासन और प्रबंध के तत्वों के बारे में बात करेंगे। 5 तत्व बताएं हेनरी फ्योल ने, जिनको हम POCCC के नाम से जानते हैं। प्रशासन के जो सिद्धांत हैं या प्रबंध के जो सिद्धांत हैं, वो 14 बताए हैं हेनरी फ्योल ने। प्रशासन और प्रबंध दोनों को हेनरी फ्योल एक ही मानते हैं, दोनों को बराबर मानते हैं, प्रशासन और प्रबंध को। तो प्रशासन के सिद्धांत कहें या प्रबंध के सिद्धांत कहें, या कभी-कभी कुछ किताबों में हम इसे संगठन के सिद्धांत भी मान लेते हैं। तो देखते हैं कि प्रशासन के सिद्धांत पढ़ने से पूर्व हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलना होगा। कोई भी औद्योगिक उपक्रम होता है, जैसे आप एक पिक्चर में देख रहे हो लेफ्ट साइड, ये एक औद्योगिक उपक्रम है जो बहुत सारा टाइम बीतने के बाद दूसरे साइड का जो औद्योगिक उपक्रम आपको दिख रहा है उसमें कन्वर्ट होता है। तो पहले की कंडीशन ये वाली थी, एक नंबर, और दूसरी पिक्चर जो आपको दिख रही है ये दूसरी पिक्चर है। तो कोई भी औद्योगिक उपक्रम अगर अपना विकास करता है हर मामले में, तो उसको ये 6 प्रकार की एक्टिविटीज़ करनी होती है। उसमें टेक्निकल एक्टिविटीज़ होंगी, उसमें कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ होंगी, उसमें फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ होंगी, उसमें सिक्योरिटी रिलेटेड एक्टिविटीज़ होंगी, उसमें अकाउंटिंग से रिलेटेड एक्टिविटी होंगी, और उसमें मैनेजेरियल एक्टिविटी होगी। अगर हिंदी में बात करें तो तकनीकी गतिविधियाँ होती है। कुछ कर्मचारी ऐसे होते हैं जो तकनीकी चीज़ों से जुड़े हुए होते हैं, कुछ कार्मिक ऐसे होते हैं जो संगठन की वाणिज्यिक गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं, कॉमर्शियल, कुछ कर्मचारी ऐसे होते हैं जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देते हैं, और बहुत सारे ऐसे फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी होते हैं जिनको मैनेज करना किसी भी संगठन के लिए ज़रूरी होता है। कुछ कर्मचारी ऐसे होते हैं जो सिक्योरिटी रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर में जुड़े रहते हैं। फिर अकाउंटिंग है, लेखा, हिसाब किताब, और उसके बाद मैनेजेरियल। ये जो मैनेजेरियल एक्टिविटीज़ है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज़ है, जिसमें हेनरी फ्योल ने 5 तत्वों को, 5 कार्यों को रखा। इन गतिविधियों को कार्य भी कहा जाता है। ये जो गतिविधियां हैं 6, इनको कभी कभी कार्य भी कह देते हैं। ये 6 गतिविधियां हैं: टेक्निकल एट द लोअर लेवल एंड मैनेजेरियल एट द हायर लेवल। 2 प्रकार की एक्टिविटीज जिसमें टेक्निकल को लोअर लेवल पे रखा गया है और मैनेजेरियल एक्टिविटीज़ है यानी प्रबंध की गतिविधियों को हायर लेवल पर रखा गया है। तो मैनेजेरियल में जो भाग हैं या कार्य हैं उनको हेनरी फ्योल 5
अलग अलग तत्वों के रूप में विभाजित करते हैं, जिसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन है, कंट्रोल है, प्लानिंग है और उसके साथ ये कमांड है, कमांड है, कंट्रोल है एंड कोऑर्डिनेशन है। ये पांच एक्टिविटीज जिनको प्रबंध के तत्व कहा है हेनरी फ्योल ने, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांड, कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल। अब संगठन में जो भी हेनरी फ्योल ने 14 सिद्धांत बताए हैं, 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बाय हेनरी फ्योल, इसमें मैनेजमेंट की जगह हम एडमिनिस्ट्रेशन भी रख सकते हैं और ऑर्गेनाइजेशन भी रख सकते हैं, यानी संगठन के 14 सिद्धांत कहें, प्रबंध के 14 सिद्धांत कहें या एडमिनिस्ट्रेशन के 14 सिद्धांत कहें, सभी एक है। ये 14 सिद्धांत सीक्वेंस से इस प्रकार है, पहले नंबर पर आता है डिवीजन ऑफ वर्क, कार्य विभाजन, काम को बांटना, कार्य विभाजन। दूसरा आता है अथॉरिटी, अथॉरिटी को हिंदी में कहते हैं प्राधिकार, प्राधिकार, कभी कभी इसको सत्ता भी कह देते हैं, सत्ता। डिसिप्लिन यानी अनुशासन, यूनिटी ऑफ कमांड यानी आदेश की एकता, यूनिटी ऑफ कमांड, और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन यानी निर्देशों में एकता या निर्देश की एकता। अगला है कि सामान्य हितों, व्यक्तिगत हितों का सामान्य हितों के अधीन होना, व्यक्तिगत हितों का सामान्य हितों के अधीन होना, यानी संगठन के हित बड़े होते हैं, व्यक्तिगत हित छोटे होते हैं। रिम्यूनरेशन है पारिश्रमिक, कोई भी कार्मिक काम करता है संगठन में तो उसको काम के बदले पारिश्रमिक दिया जाना जरूरी होता है। सेंट्रलाइजेशन, केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण। स्केलर चैन, स्केलर चैन ये पद सोपान का नाम है। ऑर्डर, व्यवस्था। इक्विटी, समता। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सोनल, कार्यकाल का स्थायित्व, स्टेबिलिटी, कार्यकाल का स्थायित्व। इनिशिएटिव यानी पहल करना, और एस्पिरेडिको यानी एकता, सौहार्द। ये 14 सिद्धांत है हिंदी में, और लेफ्ट साइड में जो दिया हुआ है वो अंग्रेजी में। तो इनको याद करने और समझने के लिए, चूंकि बहुत सारे ट्रिक्स होती है, तो ट्रिक्स हम पहले समझेंगे, उसके बाद देखेंगे कि हम उसको एक ट्रिक से कैसे याद कर सकते हैं। बहुत सारी ट्रिक्स हो सकती है, स्टूडेंट की अलग अलग ट्रिक्स होती हैं, तो उन सब में स्टूडेंट है वो अपनी खुद की ट्रिक भी बना सकते हैं। डिवीजन ऑफ वर्क, पहला है कार्य विभाजन, दूसरा है अथॉरिटी यानी प्राधिकार, तीसरा है डिसिप्लिन अनुशासन, चौथा है यूनिटी ऑफ कमांड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये चार, यूनिटी ऑफ कमांड, फिर यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, फिर है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जनरल इंटरेस्ट, फिर है रिम्यूनरेशन, सेंट्रलाइजेशन, स्केलर चैन, ये भी इम्पोर्टेंट है, फ्योल ने स्केलर चैन वर्ड का इस्तेमाल किया है, फिर ऑर्डर है, इक्विटी है, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर है, इनिशिएटिव है और एस्पिरेडिको है। ये 14 सिद्धांत हमें हेनरी फ्योल के देखने को मिलते हैं, मैनेजमेंट के सिद्धांत, एडमिनिस्ट्रेशन के सिद्धांत या ऑर्गेनाइजेशन के सिद्धांत। इनको एक एक करके समझते हैं। उससे पहले हमें ये ध्यान देना होगा कि हेनरी फ्योल के लिए निजी संगठन और सरकारी संगठन दोनों एक जैसे थे, यानी हेनरी फ्योल निजी प्रशासन और लोक प्रशासन दोनों को एक ही मानते हैं। उनके लिए प्रशासन एक ही प्रकार का है, यानी एडमिनिस्ट्रेशन की नेचर है वो यूनिवर्सल है। एडमिनिस्ट्रेशन को हेनरी फ्योल यूनिवर्सल प्रोसेस मानते हैं, सार्वभौमिक प्रक्रिया। उसके तहत वे ये मानते हैं कि चाहे कोई भी संगठन हो, वो संगठन इन 14 कार्यों से उसको काम करना पड़ेगा। और हेनरी फ्योल अपने सिद्धांतों में इतने रिजिड नहीं हैं, वो ये मानते हैं कि किसी भी संगठन के अन्य काम भी हो सकते हैं, उसमें कोई
ऐसा नहीं है कि ये हार्ड एंड फास्ट है, वो ऐसे मानते हैं कि ये लचीले हैं और इनको आवश्यकता अनुसार बदला भी जा सकता है। सबसे पहला देखते हैं हम डिवीजन ऑफ वर्क यानी कार्य का विभाजन। हमें संगठन में सबसे पहले ये ध्यान देना है कि कोई भी संगठन होता है उसमें कर्मचारी होते हैं, उसमें हमें कार्य को बांटना होगा, क्योंकि कार्य को बांटे बिना काम ढंग से नहीं हो सकता। तो इसको कार्य विभाजन या विशेषीकरण का सिद्धांत भी कहते हैं। विशेषीकरण संगठन में सबसे पहले उन्होंने बताया कि काम को बांटना पड़ेगा। ये किसी भी संगठन की सबसे प्राकृतिक रूप से यानी नेचुरल रूप से होने वाली प्रक्रिया है। सब में कोई ना कोई योग्यता होती है, हर कार्मिक में कोई ना कोई योग्यता होती है। उस योग्यता के अनुसार उसमें काम बांटो ताकि संगठन अधिक से अधिक उसका लाभ उठा सके। यानी किसी भी संगठन को प्रशासनिक प्रक्रियाओं की गुणवत्ता में अगर सुधार करना है तो सबसे पहले उसको काम को बांटना पड़ेगा। काम को बांटेंगे तो संगठन को लाभ होगा। दूसरा है प्राधिकार, अथॉरिटी। अथॉरिटी के साथ बहुत सी किताबों में उत्तरदायित्व भी दिया हुआ मिलता है। उत्तरदायित्व को रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं इंग्लिश में, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। कि जब भी कोई काम करेंगे तो हमें उसके लिए प्राधिकार की आवश्यकता होगी। संगठन में कोई भी काम करवाना है तो ऑर्डर देना पड़ेगा। ऑर्डर दिए बगैर हम काम करवा नहीं सकते, और उस ऑर्डर के साथ अगर आपके पद से जुड़ा हुआ वो अधिकार होगा, कोई भी उसके शक्ति होगी पीछे, तब उसको आदेश को पालन कर लेंगे, उस आदेश का पालन कर लेंगे लोग। तो हेनरी फेयोल कहते हैं कि प्राधिकार यानी अथॉरिटी या सत्ता, प्राधिकार या सत्ता हेनरी फेयोल के अनुसार क्या है? हेनरी फेयोल के अनुसार प्राधिकार आदेश देने का अधिकार है, आदेश देने का अधिकार और उसको पालन करवाने की शक्ति। न केवल आदेश देने का अधिकार है बल्कि उसका पालन करवाने की शक्ति को क्या कहा है हेनरी फेयोल ने? प्राधिकार कहा है कि आदेश देने का अधिकार तथा उसकी पालना करवाना या पालन करवाने की शक्ति, ये क्या कहलाती है? प्राधिकार। अब हेनरी फेयोल के अनुसार प्राधिकार दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है ऑफिशियल, एक होता है इंडिविजुअल। यानी एक तो होता है कार्यालय से प्राप्त होने वाला, कार्यालयी, और एक होता है व्यक्तिगत। तो व्यक्तिगत जो प्राधिकार होता है ये तो उस मनुष्य की खुद की बुद्धि से, खुद की स्वयं योग्यता से, ये तो खुद से आता है व्यक्तिगत प्राधिकार। और एक होता है कार्यालयी प्राधिकार, ऑफिशियल आपका अथॉरिटी, ऑफिशियल अथॉरिटी। तो वो कहाँ से आती है? पद से आती है। तो हेनरी फेयोल इसी को अच्छा मानते हैं कि कार्यालयी प्राधिकार का उपयोग जरूरी है। व्यक्तिगत प्राधिकार तो किसी भी व्यक्ति के पर्सनैलिटी पर डिपेंड करता है कि उसकी खुद की बुद्धि क्या है, उसका अनुभव क्या है, उसमें खुद में कौन सी योग्यता है, उसके हिसाब से व्यक्तिगत प्राधिकार का निर्धारण होता है। लेकिन जो कार्यालयी प्राधिकार होता है ऑफिशियल, वो पद से मिलता है। किसी भी संगठन में किसी व्यक्ति का पद, जैसे मान लेते हैं कि कोई CEO है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, तो उसको ये पद से उसके पास अधिकार है, तो उसका हमें पालन करना पड़ेगा। अथॉरिटी के बारे में ये विचार है कि जब भी अथॉरिटी दी जाती है तो उसको साथ में उत्तरदायित्व भी मिलते हैं। यानी प्राधिकार और उत्तरदायित्व साथ साथ चलते हैं, इनको अलग नहीं किया जा सकता, ये एक दूसरे के पूरक हैं। अगर आपको प्राधिकार दिया जाता है तो आपको साथ में उत्तरदायित्व भी अपने आप मिलेंगे, ये अलग नहीं हो सकते एक दूसरे से, इसलिए इनको पूरक कहा जाता है। कहते हैं कि अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी गो टुगेदर, गो टुगेदर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी गो टुगेदर, ये साथ साथ चलते हैं। इसको थियरी ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस कहा जाता है, थियरी ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस। तो ये पहली विशेषता या पहला जो संगठन का सिद्धांत था वो था कार्य विभाजन, दूसरा था प्राधिकार। तो कार्य विभाजन होना चाहिए संगठन में और उसमें प्राधिकार होना चाहिए। अब तीसरा ये है कि प्राधिकार के इस्तेमाल के लिए संगठन में अनुशासन होना जरूरी है, डिसिप्लिन होना जरूरी है।
बिना अनुशासन के आप संगठन में कोई काम नहीं करवा सकते, क्योंकि आपके आदेशों का पालन करने के लिए कुछ आज्ञाकारिता चाहिए। कर्मचारी ऐसे होने चाहिए जो आपके आदेश को माने, आपके आदेशों की पालना हो। इन पालना के लिए अनुशासन जरूरी है किसी भी संगठन में। फेयोल कहते हैं कि अनुशासन के अभाव में बिल्कुल भी संगठन के लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए प्रबंधक को क्या करना चाहिए, एक मैनेजर को क्या करना चाहिए, एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। खुद का एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करें, तभी आपके अधीनस्थ आपके आदेशों की पालना करेंगे। और इसके लिए मैनेजर में एक व्यापक समझ होनी चाहिए, एक डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अनुशासन का बने रहना संगठन में बहुत ज़रूरी है। अगर संगठन में अनुशासन नहीं रहेगा तो इससे संगठन में बिल्कुल भी काम नहीं होंगे। आदेश की एकता चौथा सिद्धांत है, आदेश की एकता फेयोल के लिए सर्वाधिक महत्व वाला सिद्धांत है, सर्वाधिक महत्व है। इसी सिद्धांत का था कि आदेश की एकता, इसको अंग्रेजी में यूनिटी ऑफ कमांड कहते हैं। ये मिलिट्री की शब्दावली से लिया गया है, सैन्य शब्दावली। इस पिक्चर में आप देख सकते हो कि एक अधिकारी आदेश दे रहा है, तो इसमें ये माना जाता है कि कोई भी कार्मिक होता है उसको केवल और केवल एक ही उच्च अधिकारी से आदेश मिलना चाहिए। जैसे ये कार्मिक ए है, ये बी है, और ये सी है, डी है, और ये ई है। अब डी केवल बी से आदेश प्राप्त करेगा, ई केवल बी से आदेश प्राप्त करेगा, बी केवल ए से आदेश प्राप्त करेगा। आदेश की एकता कहने का मतलब यही है कि कोई भी कार्मिक हो चाहे, एक कर्मचारी को केवल एक ही उच्च अधिकारी से आदेश मिलने चाहिए। आदेश की एकता आदेश प्राप्ति से संबंधित है, आदेश देने से संबंधित नहीं है। इसका इतना ही अर्थ है कि एक कर्मचारी एक ही उच्च अधिकारी से आदेश प्राप्त करेगा, सिंगल बॉस होगा। किसी भी कर्मचारी के कितने बॉस होंगे, एक ही बॉस होगा। जबकि टेलर ने ये कहा है, टेलर ने कहा है कि एक कर्मचारी के, एक श्रमिक के 8 बॉस होते हैं, लेकिन फेयोल कहते हैं कि एक कर्मचारी का एक ही बॉस होना चाहिए, यानी केवल और केवल एक ही उच्च अधिकारी से आदेश प्राप्त करेगा। एक कर्मचारी एक ही उच्च अधिकारी से आदेश प्राप्त करेगा, इसे कहते हैं आदेश की एकता। एक कर्मचारी को एक ही उच्च अधिकारी आदेशित करेगा, ये कहलाता है आदेश की एकता। आदेश की एकता से फेयोल कहते हैं कि किसी भी काम का दोराव नहीं होता, कार्यों में दोराव नहीं होता, असमंजस नहीं होता, बिल्कुल भी संशय की स्थिति नहीं बनती है कि हमें केवल एक से ही प्राप्त करना है, मतलब हमें ये काम करना है, यानी असमंजस नहीं होता। ये टेलर के बिल्कुल विपरीत सिद्धांत है। टेलर कहते हैं कि आदेश की बहुलता होती है, लेकिन फेयोल क्या कहते हैं, आदेश की एकता होती है। तो फेयोल इस मामले में टेलर से बिल्कुल अलग हैं कि यूनिटी ऑफ कमांड के सपोर्टर है फेयोल, और आदेश की बहुलता के सपोर्टर हैं F.W. टेलर। टेलर कहते हैं एक कर्मचारी के 8 बॉस होते हैं, और फेयोल कहते हैं एक कर्मचारी के एक ही बॉस होते हैं, यानी एक से ही आदेश आएगा। इसको बोलते हैं यूनिटी ऑफ कमांड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। फेयोल ने आदेश की एकता को सर्वाधिक महत्व दिया है, आदेश की एकता को। एक है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, निर्देशों में एकता। वहाँ आदेश था, यहाँ इसको कहते हैं निर्देश की एकता या निर्देशों में एकता। किताबों में अलग अलग देखने को मिलता है, निर्देश की एकता और निर्देशों में एकता एक ही बात है। जब भी हम यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन को पढ़ते हैं तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि यूनिटी ऑफ कमांड इज रिलेटेड टू वन पर्सन,
एक कर्मचारी से संबंधित है यूनिटी ऑफ कमांड, और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है वो संबंधित है संगठन से, ऑर्गेनाइजेशन से, पूरे ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, और यूनिटी ऑफ कमांड संबंधित है एक कार्मिक से, एक कर्मचारी से। तो अगर हम एक कर्मचारी की बात करें तो हम ये कहेंगे कि ये तो यूनिटी ऑफ कमांड से रिलेटेड है, यानी एक कार्मिक के लिए लागू होती है कि एक आदमी एक ही उच्चाधिकारी से आदेश प्राप्त करेगा। जैसे ये है तो इसका बॉस ये है, इसका बॉस ये है। और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन जो होती है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन वो क्या कहती है, वो कहती है कि किसी भी समान उद्देश्य वाले कोई भी कार्य हों, चाहे कितने भी हों, वो सारे के सारे एक ही आदमी द्वारा संचालित होने चाहिए। यानी समान उद्देश्य वाले जो भी कार्य हैं उनका संचालन एक ही व्यक्ति द्वारा हो, इसका मतलब यूनिटी ऑफ डायरेक्शन के लिए आता है वन हेड वन प्लान, वन हेड वन प्लान, ये टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की जाती है, वन हेड वन प्लान, एक शीर्ष एक योजना, एक शीर्ष एक योजना। तो परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि एक शीर्ष एक योजना का संबंध किससे है, यूनिटी ऑफ कमांड या यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अब इन दोनों में एक संबंध भी है, और वो संबंध क्या है कि यूनिटी ऑफ कमांड है वो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन के बिना रह ही नहीं सकती। यूनिटी ऑफ कमांड के लिए जरूरी है कि यूनिटी ऑफ डायरेक्शन हो, निर्देशों में एकता जरूरी है। यानी संगठन में जो भी निर्देश हैं वो एक रूपता से होने चाहिए, उसके बिना आदेश की एकता रह ही नहीं सकती। यूनिटी ऑफ कमांड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन के बिना रह नहीं सकती, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि यूनिटी ऑफ कमांड हमेशा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन से आए। और हेनरी पेयल कहते हैं कि दो सिर वाला व्यक्ति, दो सिर वाला व्यक्ति, दो सिर वाला व्यक्ति, चाहे वो मनुष्यों में रहे चाहे पशु जगत में रहे, सब जगह राक्षसी माना जाएगा, क्योंकि दो सिर वाले व्यक्ति को जिंदा रहने में कठिनाई अनुभव होती है। इसका मतलब दो सिर होंगे तो उसको दो जगह से डायरेक्शन प्राप्त होंगे, दो जगह से निर्देश मिलेंगे, तो दो जगह से निर्देश मिलेंगे तो वो जिंदा नहीं रह सकता। इसलिए इन्होंने कहा है कि दो सिर वाला व्यक्ति, चाहे वो मानव समाज में रहे, कोई भी दो सिर वाला शरीर होगा, वो चाहे मानव जगत का हो चाहे पशु जगत का हो, सर्वत्र राक्षस माना जाता है। ये हेनरी फेयोल ने कहा है, उस व्यक्ति को जिंदा रहने में कठिनाई महसूस होती है। ये है आपका निर्देशों में एकता। तो यूनिटी ऑफ कमांड यूओसी एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन यूओडी, इन दोनों में डिफरेंस ये होता है कि यूनिटी ऑफ कमांड इज रिलेटेड टू द एम्प्लॉई एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन इज रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन। ये कार्मिक से संबंधित है और ये ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ कमांड के लिए जरूरी है कि यूनिटी ऑफ डायरेक्शन हो। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन यानी निर्देशों में एकता के बिना आदेश की एकता नहीं रह सकती, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो सदैव उसी से प्रवाहित हो, उसी से निकले। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताई है हेनरी फेयोल ने, अगला सिद्धांत जो दिया है वो ये दिया है, छठा सिद्धांत। एक होता है जनरल इंटरेस्ट और एक होता है इंडिविजुअल इंटरेस्ट। इंटरेस्ट को हिंदी में कहते हैं हित या लाभ, उद्देश्य, हित या लाभ। तो इंडिविजुअल का मतलब हो गया व्यक्तिगत, और जनरल का मतलब हो गया सामान्य या संगठन हित, संगठन का हित, सांगठनिक हित। तो एक व्यक्तिगत हित हो गया और एक सामान्य हित हो गया, यानी सांगठनिक हित हो गया। तो हेनरी फेयोल ने यह कहा है कि व्यक्तिगत हित को सांगठनिक हितों के अधीन होना चाहिए। व्यक्तिगत हित किसी भी कर्मचारी के लिए पूर्णतया व्यक्तिगत होते हैं, और सांगठनिक हित क्या होते हैं, किसी भी संगठन के लिए होते हैं। सांगठनिक हित चूंकि बड़े होते हैं, तो हेनरी फेयोल ने यह कहा है कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट को कभी भी ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट पर हावी नहीं होना चाहिए। किसी का व्यक्तिगत हित हो सकता है कि कोई 10 दिन की छुट्टी लेना चाहे, तो ये व्यक्तिगत हित है, इंडिविजुअल इंटरेस्ट है, व्यक्तिगत हित। तो उसको क्या करना चाहिए,
अपने व्यक्तिगत हितों की पूर्ति के लिए ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको संगठन के हित के बारे में सोचना चाहिए जो कि सामान्य हित होता है। क्योंकि आप इस पिक्चर में देख रहे हो कि संगठन में बहुत सारे कार्मिक होते हैं, जबकि व्यक्तिगत रूप से ये व्यक्ति अलग डिसीजन ले सकता है अकेला, जिसका फायदा केवल इसी व्यक्ति को मिलेगा, लेकिन संगठन का हित जो है वो देखा जाना चाहिए। तो किसी भी कार्मिक के लिए व्यक्तिगत हितों के आधार पर नहीं सोचा जाना चाहिए, संगठन पहले आता है, व्यक्तिगत हित बाद में आएंगे। चाहे आदमी प्रबंधक हो, मैनेजर हो, चाहे व्यक्ति कर्मचारी हो, उसका हित है वो संगठन में ही निहित रहना चाहिए, उसका हित संगठन में निहित रहना चाहिए। अगला सिद्धांत है रिम्यूनरेशन। रिम्यूनरेशन को हिंदी में पारिश्रमिक कहते हैं, पारिश्रमिक, या आप इसको वेतन भी समझ सकते हो। किसी भी कार्मिक को, किसी भी कर्मचारी को कोई भी काम करते हैं उसके बदले में वेतन मिलता है, निश्चित वेतन मिलता है। कोई भी सेवा हम देते हैं उसके बदले में, कार्य के बदले में उसको वेतन मिलता है। तो ये वेतन है ये अनुकूल होना चाहिए, उचित होना चाहिए, संतोषजनक होना चाहिए। काम करने के अकॉर्डिंग वेतन मिलना चाहिए। ये संतोषजनक अगर नहीं हुआ तो कार्मिक संगठन छोड़कर चला जाएगा। तो कार्मिक के लिए ज़रूरी है कि उसको उचित वेतन मिले। तो जो नियोक्ता है यानी नौकरी देने वाला है वो, और एक नौकरी करने वाला है जो कार्मिक है, इन दोनों को ही उचित लाभ हो या सेटिस्फेक्शन मिले, ऐसा वेतन होना चाहिए। यानी वेतन का निर्धारण कैसा होना चाहिए? उचित होना चाहिए, संतोषजनक होना चाहिए और एकदम फेयर होना चाहिए, निष्पक्ष। वेतन निर्धारण में निष्पक्षता होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति अगर सेवा दे रहा है, काम कर रहा है, तो उसके बदले जो उसको पारिश्रमिक मिल रहा है उसमें फेयोल ने कहा है कि निष्पक्षता होनी चाहिए। फेयोल ने 6 प्रकार के पारिश्रमिक के बारे में जिक्र किया है, 6 प्रकार के पारिश्रमिक। यानी रिम्यूनरेशन कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार के, फेयोल ने ये वर्णन किया है। अब जो अगला सिद्धांत है वो है केंद्रीकरण। तो जनरली किताबों में केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण दोनों, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन दिया होता है। तो ये दो पिक्चर हैं, इनसे आप समझ सकते हो, ये इधर वाला केंद्रीकरण है और ये इधर वाला विकेंद्रीकरण है। ये विकेंद्रीकरण है और ये केंद्रीकरण है। केंद्रीकरण में आप देख रहे हो कि केंद्र में सारी चीज़ें एकत्र हो रही है, और विकेंद्रीकरण में क्या हो रहा है? दूर दूर चीज़ें जा रही है। यानी ये केंद्रीकरण है और ये विकेंद्रीकरण है। तो फेयोल ने ये कहा है कि ये तो नेचुरल होता है, एकदम नेचुरल है किसी भी संगठन के लिए, प्राकृतिक क्रिया है, ये नेचुरल चीज़ है। जिस प्रकार हर संगठन में डिवीजन ऑफ वर्क पाया जाता है, यानी काम का विभाजन तो पक्का पाया जाएगा, उसी प्रकार एक सामान्य प्राकृतिक व्यवस्था के तहत नेचुरली उस संगठन में केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण दोनों पाए जाएंगे। हेनरी फेयोल कहते हैं, वह गतिविधि जिससे अधीनस्थों की भूमिका बढ़े, अधीनस्थ का मतलब जो निचले स्तरों पर काम करने वाले अधिकारी कर्मचारी होते हैं उनको अधीनस्थ कहते हैं, अधीनस्थों की भूमिका बढ़े वो तो कहलाता है विकेंद्रीकरण, और जिसमें अधीनस्थों की भूमिका घटे वो कहलाता है केंद्रीकरण। अधीनस्थों की भूमिका अगर घट रही है तो वो केंद्रीकरण कहलाएगा, और अगर बढ़ रही है तो वो क्या कहलाएगा? विकेंद्रीकरण। जो जिस प्रोसेस में अधीनस्थों को काम ज़्यादा दिया जाए, अधीनस्थों की जिम्मेदारी ज़्यादा हो, उसको बोलते हैं विकेंद्रीकरण। यानी कोई भी काम करने का अधिकार निचले स्तर पर ट्रांसफ़र करना है, लेकिन अगर ऊपर के स्तर पर ही रखना है, अधीनस्थों की भूमिका घटानी है, तब उसको क्या कहेंगे हम? केंद्रीकरण। हेनरी फेयोल ने यह कहा है कि केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण केवल और केवल अनुपात का विषय है। हर संगठन में केंद्रीकरण पाया जाता है, हर संगठन में विकेंद्रीकरण पाया जाता है। संगठन को देखकर या संगठन की परिस्थिति के अनुसार, संगठन की स्थिति के अनुसार और कार्मिकों की व्यक्तिगत योग्यता के आधार पर केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण दोनों बदल जाते हैं। अगर एक ही प्रकार का काम कर रहा है व्यक्ति
बार बार एक ही प्रकार का, तो उसके आधार पर भी केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण के कॉन्सेप्ट बदले जा सकते हैं, इस प्रकार का सुझाव हेनरी फ्योल ने दिया है। अब एक आता है स्केलर चेन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिस प्रकार पद सोपान आदेश की एकता के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, आदेश की एकता और स्केलर चेन यानी पद सोपान ये बहुत जुड़े हुए हैं, लेकिन हेनरी फ्योल ने पद सोपान शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है, पद सोपान के लिए स्केलर चेन शब्द का इस्तेमाल किया है हेनरी फ्योल ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हेनरी फ्योल ने स्केलर चेन वर्ड का यूज किया है हायरार्की के स्थान पे। पद सोपान को अंग्रेजी में हायरार्की कहते हैं, हायरार्की, हायरार्की यानी किसी भी संगठन में पदों की एक निश्चित व्यवस्था, पदों की एक ऊपर से लेकर नीचे तक पद व्यवस्थित रहते हैं। जैसा कि आप राइट साइड में जो पिक्चर दिख रही है उसमें देख सकते हो कि उसके टॉप पर एक आर्मी काम कर रहा है, उसके नीचे बी सी डी ई और इधर राइट साइड में पी क्यू आर एस, तो ये पदों का एक निश्चित क्रम है, पदों की एक व्यवस्था है, उसमें ऊपर के स्तर पर ए अधिकारी बैठा है और उसके नीचे बहुत सारे कार्मिक काम कर रहे हैं, तो ये कहलाता है पद सोपान। तो हेनरी फ्योल ने पद सोपान का प्रयोग नहीं किया है, पद सोपान के स्थान पर हेनरी फ्योल ने स्केलर चेन शब्द का प्रयोग किया है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि हेनरी फ्योल हैज़ यूज द वर्ड स्केलर चेन, चेन ऑफ सुपीरियर या लाइन ऑफ अथॉरिटी जिसको कहते हैं। हेनरी फ्योल कहते हैं कि संगठन में किसी भी प्रकार का कम्युनिकेट करना है, कम्युनिकेशन करना है और डिसीजन मेकिंग करनी है तो प्राधिकार का एक निश्चित उचित मार्ग होता है, एक प्रॉपर चैनल होता है। पद सोपान के लिए सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे यूजीसी नेट की परीक्षा हो चाहे और कोई परीक्षा हो, पद सोपान आदेश की एकता से बहुत सारे प्रश्न संबंधित होते हैं। तो पद सोपान की जो आत्मा होती है, पद सोपान या स्केलर चेन की जो आत्मा होती है वो होती है आदेश की एकता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पद सोपान की आत्मा क्या है, आदेश की एकता जिसको हम बोलेंगे यूनिटी ऑफ कमांड। और पद सोपान की विशेषता क्या है, पद सोपान का तरीका या विशेषता क्या है, तरीका या विशेषता क्या है, उचित माध्यम द्वारा, उचित माध्यम द्वारा, थ्रू प्रॉपर चैनल, थ्रू प्रॉपर चैनल, ये क्या है पद सोपान की विशेषता है या तरीका है या माध्यम है, माध्यम भी कह सकते हैं इसको। और आत्मा क्या है, आदेश की एकता। पद सोपान का माध्यम तो है उचित माध्यम द्वारा, पद सोपान का तरीका विशेषता माध्यम उचित माध्यम द्वारा, और पद सोपान की आत्मा आदेश की एकता है। अगर आदेश की एकता नहीं होगी तो पद सोपान भी नहीं होगा, स्केलर चेन को यानी पद सोपान को कभी भी इसका उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए। इसमें प्राधिकार कहाँ से कहाँ चलता है, ऊपर से नीचे की ओर चलता है। फ्योल कहते हैं कि प्राधिकार कैसे चलता है, ऊपर से नीचे की ओर, टॉप से बॉटम की ओर चलता है, टॉप से बॉटम की ओर। प्राधिकार का जो फ्लो होता है, फ्लो ऊपर से नीचे की ओर होता है, यानी ऊपर के लेवल से निचले लेवल पर प्राधिकार जाता है, ये कहलाता है पद सोपान, हायरार्की। हेनरी फ्योल ने इसके लिए स्केलर चेन शब्द इस्तेमाल किया है। अब इसको समझने के लिए हम एक जो सामने इसके चित्र दिया हुआ है उसको समझते हैं कि सबसे पहले इसमें देखते हैं कि ए नाम का अधिकारी ऊपर ही ऊपर टॉप पर लगा हुआ है, ऊपर ही ऊपर। इसके नीचे बी काम करता है, बी के नीचे सी काम करता है, सी के नीचे डी और फिर ई, ई लास्ट लेवल पर है। इधर राइट साइड में एस, एस के ऊपर आर, आर के ऊपर क्यू और उसके ऊपर पी। अब हेनरी फ्योल ने यह कहा कि कोई भी सामान्य प्रोसीजर जो होती है उसमें कोई भी फाइल अगर आएगी या कोई भी काम होगा तो सबसे पहले वो ई के पास आएगी और ई से डी के पास जाएगी, डी से सी के पास जाएगी, सी से बी के पास जाएगी और फिर ए के पास जाएगी। अगर कोई भी ई के पास काम करवाना हो और उसको एस से काम पड़ता हो तो वो फाइल ऐसे आएगी, ए से पी क्यू आर एस ऐसे, और फिर वापस भी ऐसे जाएगी वो फाइल ऐसे। देरी होगी, लाल फीताशाही होगी, काम में देरी होगी, और काम में देरी से बचने के लिए
काम में देरी से बचने के लिए, विलंब से बचने के लिए फेयोल ने जिस वैकल्पिक व्यवस्था का सुझाव दिया था उसको बोलते हैं गैंग प्लांक कि अगर दो कर्मचारियों के मध्य संचार स्थापित करना हो तो अपने सीनियर को इन्फॉर्म करके, अपने सीनियर से अनुमति लेके आप सीधे समस्तरीय संचार किया जा सकता है, इसको बोलते हैं गैंग प्लांक की व्यवस्था, यानी पुल बनाकर समस्तरीय अधिकारी से संचार स्थापित करना। यानी डी को अगर आर से काम है तो वो सी और क्यू को इत्तिला करके, डी सी को इत्तिला करेगा, जानकारी देगा, और आर क्यू को जानकारी देगा कि मैं सीधी फाइल में संचार कर रहा हूँ या सीधी बात कर रहा हूँ डी से आर की। तो ये गैंग प्लांक की व्यवस्था है, ये पद सोपान के दोषों को दूर करने हेतु एक वैकल्पिक व्यवस्था थी, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। गैंग प्लांक की थियरी हेनरी फेयोल ने दी थी, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है गैंग प्लांक क्या है। तो पद सोपान के दोषों से बचने के लिए हेनरी फेयोल ने जो वैकल्पिक व्यवस्था सुझाई थी उसको गैंग प्लांक कहते हैं। इसमें एक पुल बनाकर, ये देख रहे हो आप पुल, ये पुल बनाकर उसमें संचार स्थापित किया जाता है दो अधिकारियों में। बस थोड़ी सी इसमें शर्त ये रहती है कि वो अपने शीर्ष ऊपर के जो अधिकारी होते हैं उच्चाधिकारी, उनको इन्फॉर्म करें, उनको सूचना देवें। ये हो गया आपका स्केलर चैन। इसकी आत्मा होती है आदेश की एकता और इसका माध्यम होता है थ्रू प्रॉपर चैनल। नेक्स्ट चलते हैं ऑर्डर। ऑर्डर या व्यवस्था, व्यवस्था या पदस्थापन कहते हैं इसको, ऑर्डर या व्यवस्था। इसमें किसी भी संगठन में एक मानव संसाधन होता है, एक भौतिक संसाधन होता है। तो मानव संसाधन और भौतिक संसाधनों की व्यवस्था इस प्रकार की जानी चाहिए कि सही आदमी सही जगह काम करे, राइट मैन इन द राइट प्लेस, राइट मैन इन द राइट प्लेस। अगर सही आदमी सही जगह काम नहीं करेगा तो संगठन अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाएगा। CEO का काम होता है कि ह्यूमन रिसोर्सेज, फाइनेंस अकाउंटिंग, सेल्स मार्केटिंग, रिसर्च डेवलपमेंट, ऑपरेशंस, ये जितने भी कर्मचारी किसी भी संगठन में हम देखते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये CEO के अंतर्गत ही आए, हम जो भी कार्मिक देखते हैं उन सब में हर व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार काम देना है, सही व्यक्ति को सही स्थान पर लगाना है। इसका मतलब यही है ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब यही है कि सही व्यक्ति को सही स्थान पर लगाएं। अब जैसे मान लो कोई भी आपको केस सॉल्व करना है और आप एक पुलिस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं और आपको कंप्यूटर बहुत अच्छा आता है, लेकिन आपको मेस में ड्यूटी लगा दी गई है आपकी, आप रसोई में रहिए, तो आप अच्छी तरीके से काम नहीं कर पाओगे। आपको सही व्यक्ति को सही स्थान पर लगाना होगा। यही व्यवस्था है, यही पदस्थापन है। हर जगह के, हर चीज़ के लिए एक निश्चित स्थान होना चाहिए और हर चीज़ अपने निश्चित स्थान पर बनी रहनी चाहिए। इसी को ऑर्डर कहा है हेनरी फेयोल ने, ऑर्डर यानी व्यवस्था या का ये पदस्थापन। इसके साथ हेनरी फेयोल ने एक समता का सिद्धांत भी दिया है कि समता होनी चाहिए। ये वेरी इम्पोर्टेंट है। समता को न्याय से भी बड़ा बताया है। ये पहली पिक्चर आपको बताती है कि ये इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट है, इक्वालिटी, और दूसरा बताती है कि इक्विटी, समता क्या होती है, समानता और समता। इक्वालिटी ये होती है कि सबको इक्वल मिला है, ये जो आपको सपोर्ट मिल रहा है वो इक्वल मिल रहा है सबको, तो इसकी हाइट कम है तो ये कुछ भी देख नहीं पा रहा है। और इक्विटी में क्या होता है कि इसको सपोर्ट नहीं मिलेगा, इसको सपोर्ट मिलेगा, इसको डबल सपोर्ट मिलेगा क्योंकि इसकी हाइट कम है। दैट इज इक्विटी। इक्विटी का मतलब ये होता है कि आप कार्मिकों में न्याय और दयालुता दोनों रखें, न्याय और दयालुता ये दोनों होने चाहिए। और प्रबंधक की ये जिम्मेदारी होती है कि कर्मचारियों से जो उसके संबंध होते हैं वो विश्वास पर आधारित होने चाहिए, न्याय पर आधारित होने चाहिए। और समता को न्याय से भी बड़ा बताया गया है। कर्मचारी के साथ, सबके साथ समान व्यवहार करे और न्यायपूर्ण व्यवहार करे, ये प्रबंधक का काम होता है। प्रबंधक का काम क्या होता है कि वो न्यायपूर्ण व्यवहार करे। नेक्स्ट जो है उसमें है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सोनल। पर्सोनल कहते हैं कार्मिकों को, कर्मचारियों को। कर्मचारियों का जो कार्यकाल होता है टेन्योर कार्यकाल,
उसमें स्थायित्व होना चाहिए। अगर किसी भी कंपनी में या किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में आप जा रहे हो और आपको ये पता ही नहीं है कि मैं यहाँ 2 दिन काम करूँगा या 20 दिन काम करूँगा, आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आप उस संगठन में ढंग से काम नहीं कर पाएंगे। तो आपके कार्यकाल का स्थायित्व होना चाहिए, जैसे मान लो 12 महीने, 2 साल, 12 महीने 2 साल तक कुछ निश्चित हो आपके आपके संगठन में अच्छी तरीके से काम करने के लिए, किसी भी काम को अच्छी तरीके से करने के लिए आप में एक ऐसा होना चाहिए कि मुझे 12 मंथ तो काम करने का मौका मिलेगा, तभी आप कुछ कर पाएंगे, तभी आप उस संगठन से जुड़ पाएंगे, अदरवाइज आप नहीं जुड़ पाएंगे। इसके अलावा एक है पहल, इनिशिएटिव। इनिशिएटिव कहते हैं कोई भी कर्मचारी है अगर संगठन में, तो उसमें जब भी डिसीजन मेकिंग होती है, जैसे मान लो कोई डिसीजन लिया जा रहा है यहाँ पर और उसमें किसी भी कर्मचारी का कोई भी सहयोग नहीं है, यानी भागीदारी नहीं है, तो संगठन अच्छी तरीके से काम नहीं कर पाएगा। मैनेजर को क्या चाहिए, प्रबंधक को क्या चाहिए, प्रशासक को क्या चाहिए कि जितने भी कार्मिक हैं उसके वहाँ काम करने वाले, उसमें से अगर कोई पहल करता है, कोई सुझाव देता है अच्छे सुझाव, तो उसको लागू करे। अगर कोई कार्मिक सुझाव देता है तो उसको वो लागू करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई संगठन में प्रबंधक बैठा है और उसके सामने कोई कर्मचारी बोल रहा है तो उसको चुप करा दे कि तू बैठ जा, तेरे काम की चीज़ नहीं है, तो दैट इज़ नॉट राइट। कोई भी कर्मचारी अगर पहल करता है, सुझाव देता है, तो उसको संगठन में लागू करना चाहिए। इसका मतलब है कि संगठन में निचले स्तर पर कार्मिकों की भागीदारी यानी पार्टिसिपेशन होना चाहिए। कार्मिकों को ऐसा लगना चाहिए कि संगठन के निर्णय निर्माण में मेरी भी कुछ जिम्मेदारी है, मेरी भी कुछ भागीदारी है, मेरी भी सुनी जाती है। कोई भी योजना बनानी हो या कोई उसको लागू करना हो तो कर्मचारियों के सुझाव भी अगर आमंत्रित कर लिए जाएं और उनसे थोड़ा सा उसको को इनकॉर्पोरेट कर दिया जाए तो उनको अच्छा लगता है। एक लास्ट वाला है जो ये 14वां सिद्धांत है, एस्पेरे डी को। इसका मतलब है टीम स्पिरिट, टीम भावना। हम जो भी काम करेंगे हम सहयोग या सौहार्द से काम करेंगे, सहयोग भावना। बिना टीम भावना के आप कभी भी कुछ नहीं कर सकते। विदाउट टीम स्पिरिट यू कैन डू नथिंग। इसका मूल मंत्र जो है वो है यूनियन इज स्ट्रेंथ, संगठन में शक्ति है। अगर आप किसी भी संगठन में काम कर रहे हैं तो आपको टीम स्पिरिट रखनी होगी, आपको यूनियन बना के रखना होगा, आपको सहयोग रखना होगा, आपको सौहार्द रखना होगा। ये जो 14वां सिद्धांत है ये आदेश की एकता के सिद्धांत का विस्तार है, आदेश की एकता के सिद्धांत का विस्तार है, एक्सटेंशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। फेओल कहते हैं कि टीम स्पिरिट को जिंदा रखें, सहयोग भावना बनाए रखें, और कभी भी संगठन में जो राजनीति चलती है उससे ज़्यादा आपको सरोकार नहीं होना चाहिए, और लिखित संचार का जहाँ तक प्रयोग हो उससे बचना चाहिए, उसके दुरुपयोग से बचना चाहिए। लिखित संचार करना चाहिए लेकिन लिखित संचार का जो दुरुपयोग है उससे हमें हमेशा बचना चाहिए। तो फेओल के अनुसार जो भी ये सिद्धांत है, 14 सिद्धांत, उन सब में एक यूनिवर्सैलिटी पाई जाती है कि ये डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जनरल इंटरेस्ट, रिम्यूनरेशन, सेंट्रलाइजेशन, स्केलर चैन यानी पद सोपान या लाइन ऑफ अथॉरिटी, ऑर्डर, इक्विटी, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल, इनिशिएटिव एंड एस्पिरे डी को। इनको हिंदी में कहते हैं कार्य विभाजन। पहला, देखो कोई भी काम है तो उसको बांट दो, कार्य विभाजन हो गया। प्राधिकार और उत्तरदायित्व, जब काम को बांटेंगे तो सबको प्राधिकार दे दीजिए। फिर अनुशासन, किसी भी संगठन में अनुशासन के बिना उसका संगठन का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। आदेश की एकता, इसको पद सोपान की आत्मा कहा गया है। निर्देशों में एकता, ये संगठन के लिए होती है, आदेश की एकता कार्मिक के लिए होती है। पारिश्रमिक, कोई भी अगर कार्मिक काम कर रहा है तो उसको सेवा और कार्य के बदले पारिश्रमिक मिलना चाहिए। फिर केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण का सिद्धांत, स्केलर चैन का सिद्धांत, व्यवस्था,
या पदस्थापन, समता का सिद्धांत, कार्यकाल का स्थायित्व, कोई भी कार्मिक अगर काम कर रहा है तो उसको ऐसे पता होना चाहिए कि उसके कार्यकाल में 2 साल, 1 साल, 3 साल उसको कुछ स्टेबिलिटी मिलनी चाहिए, नहीं तो वो काम नहीं करेगा या बेमन से काम करेगा। कर्मचारी अगर पहल करते हैं, इनिशिएटिव लेते हैं, डिसीजन मेकिंग में कुछ पार्टिसिपेट करते हैं, कुछ सजेशन देते हैं, तो इनको इंक्लूड कर किया जाना चाहिए और टीम स्पिरिट रखनी चाहिए, एस्पिरे डी को। ये 14 सिद्धांत हैं। फ्योल ने ये कहा था ये सिद्धांत हैं वो सार्वभौमिक है, लेकिन ये सिद्धांत ऐसा नहीं है कि बदले नहीं जा सकते, ये लचीले हैं, आवश्यकता के अनुसार इनको बदला जा सकता है। ये अधिकांश संगठनों में प्रयुक्त होते हैं। हर किसी को अपने जीवन में प्रशासन के सिद्धांतों की तो आवश्यकता होती ही है, निश्चित रूप से होती है, और संगठन के सारे स्तरों पर इन प्रशासन के सिद्धांतों की, प्रबंध के सिद्धांतों की आवश्यकता होती है, तो इसके लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता है। अब इन जो 14 प्रिंसिपल्स हैं इनको याद करने संबंधी एक ट्रिक जो बहुत सारे स्टूडेंट्स अलग अलग ट्रिक से याद करते हैं, उसमें एक आप यूज कर सकते हो कि अगर आपने अंग्रेजी में पहले समझ रखा है तो उसको सिंप्लिसिटी से ऐसे याद कर सकते हो। याद करने के बहुत तरीके हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरा ही तरीका अच्छा है, आपको जो तरीका अच्छा लगे वो अपनाइए, मैं केवल सजेशन दे सकता हूँ कि आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। डैड यूजेज रोज ICU। अगर आपको सीक्वेंस से याद करना है तो उसके लिए ये कन्फर्म है कि ये तो सीक्वेंस है ही, जो हेनरी फ्योल ने मूल जो किताब में सिद्धांत बताए हैं उनमें 14 सिद्धांत इस हिसाब से आएंगे, जिसमें लास्ट वाला जो ई होगा वो एस्पिरे डी को आएगा और पहला वाला आएगा डिवीजन ऑफ वर्क। ये तो है सीक्वेंस से। अगर आपको बिना सीक्वेंस के याद रखना है तो डैड यूजेज रोज ICU, यूजेज डैड इंग्लिश वर्ड, यूजेज इंग्लिश वर्ड, रोज इंग्लिश वर्ड एंड ICU इज ऑल्सो एन इंग्लिश वर्ड। डैड यूजेज रोज ICU। डी स्टैंड्स फॉर डिवीजन ऑफ वर्क। ए स्टैंड्स फॉर अथॉरिटी। डी स्टैंड्स फॉर डिसिप्लिन। यू स्टैंड्स फॉर यूनिटी ऑफ कमांड। एस स्टैंड्स फॉर सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। ई स्टैंड्स फॉर इक्विटी एंड लास्ट ई स्टैंड्स फॉर एस्पिरे डी को। एस स्टैंड्स फॉर स्केलर चेन। आर स्टैंड्स फॉर रिम्यूनरेशन। ओ स्टैंड्स फॉर ऑर्डर। एस स्टैंड्स फॉर स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। ई स्टैंड्स फॉर एस्पिरे डी को। आई स्टैंड्स फॉर इनिशिएटिव। सी स्टैंड्स फॉर सेंट्रलाइजेशन एंड यू स्टैंड्स फॉर यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अगर हमें सीक्वेंस से याद करना है तो पहला होता है कार्य विभाजन, जिसके लिए अंग्रेजी में शब्द आया है डिवीजन ऑफ वर्क। ए के लिए हम अथॉरिटी या प्राधिकार, फिर डी का मतलब डिसिप्लिन यानी अनुशासन, फिर यू यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। तो यू दो आई हैं तो उसमें पहला कौन सा होगा और दूसरा कौन सा होगा, तो इसमें ये ध्यान देना है आपको कि पहला यूनिटी ऑफ कमांड होगा, दूसरा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होगा। पहले सी आता है इंग्लिश लेटर्स में और फिर डी आता है, तो आपको ये याद रखना होगा कि पहले यूनिटी ऑफ कमांड होगा, आदेश की एकता होगा, एंड देन यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होगा। हालांकि फ्योल ने ऐसे कोई सूत्र बनाकर नहीं दिया है, हम लोग अपने याद रखने के हिसाब से ऐसे बोलते हैं, पहले यूनिटी ऑफ कमांड आएगा, फिर यूनिटी ऑफ डायरेक्शन आएगा, उसके बाद आएगा सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जनरल इंटरेस्ट, यानी व्यक्तिगत हितों को सांगठनिक हितों के अधीन होना चाहिए, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट। आर पूरे 14 में आर एक ही है। आर का मतलब है रिम्यूनरेशन। अब इसको ऐसे याद रखा जा सकता है कि आर से रुपए होते हैं। रुपए का मतलब पारिश्रमिक मिलेगा तो रुपए के रूप में ही मिलेगा, हो सकता है किसी दूसरे देश में और मुद्रा हो, लेकिन अपने इंडिया में रुपए से संबंधित है ये आर। अब ये यहाँ पर क्या हुआ है कि यहाँ पर
आधे सिद्धांत हो गए हैं, आधे सिद्धांत हो गए आपके, 4, 3, 7 इधर है और 7 इधर है। तो जब आधे सिद्धांत हो गए तो सेंटर आ गया, सेंटर, सेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन, ये हो गया आपका सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन के बाद स्केलर चेन, स्केलर चेन, स्केलर चेन, ये आपका 9 नंबर का है, 9 नंबर का स्केलर चेन। 10 नंबर का है, देखो 10 नंबर का, 10 नंबर, तो 10 में तो ऑलरेडी 0, 0 आ रहा है, तो याद रह जाएगा आपके 0 और ए, ये जो ओ, 0 और ओ लगभग एक जैसे होते हैं, तो ये 10 नंबर आपके याद रह जाएगा। 11 नंबर पर देखो इक्विटी है, तो 1 और 1 क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो इक्विटी टाइप ही होता है, इक्विटी, 1 और 1 बराबर होते हैं तो इक्विटी, इक्विटी हो गई 11 नंबर पे। और 12 महीने के लिए आपका अगर कार्यकाल फिक्स किया जाए, 12 नंबर पर स्टेबिलिटी, कार्यकाल कम से कम 12 महीने तो रखें, 12 महीने के लिए स्थायित्व है, तो 12 महीने ऐसे स्थायित्व याद करना पड़ेगा आपको, 12 नंबर पर आपके कार्यकाल का 12 महीने का स्थायित्व है आपको। इनिशिएटिव, ये 13 नंबर पर आएगा आपके, इनिशिएटिव, पहल करना, वो लास्ट में आता है, तो लास्ट में सब लोग क्या है, टीम स्पिरिट, एस्पिरेट डी को याद करने के लिए बहुत सारी ट्रिक्स हो सकती है, डेड यूजेस, रोज आईसीयू या इसी टाइप की ट्रिक्स बहुत सारी हो सकती है, आप खुद भी बना सकते हो, ये आपका काम है। एक सुविधा के अनुसार कुछ ट्रिक्स है वो आपको याद कर लेनी चाहिए, डेड यूजेस, रोज आईसीयू, बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर 2 डी आ रहे हैं, 2 यू आ रहे हैं, 2 ई आ रहे हैं, 3 एस आ रहे हैं, इनको एक सीक्वेंस से याद रखें और बेहतर करें। शास्त्रीय सिद्धांत की जो विचारधारा है उसमें बहुत से विचारक हैं, जैसे हेनरी फेयोल हैं, गुलिक हैं, उर्विक हैं, फोलेट हैं, सेल्टन हैं, मुन्ने और रेले हैं, उनमें जो सबसे प्रमुख विचारक हैं वो है हेनरी फेयोल। हेनरी फेयोल को प्रशासनिक सिद्धांतों का जनक कहा जाता है, उन्होंने प्रशासन के या प्रबंध के लिए 14 सिद्धांत दिए हैं, जैसे डिवीजन ऑफ वर्क उनका पहला सिद्धांत था, और उनका जो 14वां सिद्धांत था वो था एस्प्री डी को, यानी समता, एकता या टीम स्पिरिट। तो ये 14 सिद्धांत जो जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कहे जाते हैं, उनमें डिवीजन ऑफ वर्क, कार्य विभाजन, अथॉरिटी यानी प्राधिकार, डिसिप्लिन यानी अनुशासन, यूनिटी ऑफ कमांड आदेश की एकता, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन निर्देशों में एकता, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जनरल इंटरेस्ट, सामान्य व्यक्तिगत हितों का सामान्य हित के अधीन होना, रिम्यूनरेशन, पारिश्रमिक, सेंट्रलाइजेशन, केंद्रीकरण, स्केलर चैन यानी पद सोपान के लिए इन्होंने स्केलर चैन शब्द का इस्तेमाल किया है, लाइन ऑफ अथॉरिटी, ऑर्डर व्यवस्था, इक्विटी समता, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल यानी कार्मिकों के स्थायित्व का कार्यकाल या कार्मिकों का जो कार्यकाल है उसका स्थायित्व, इनिशिएटिव पहल, और एस्पिरेडी को यानी टीम स्पिरिट। इनको याद करने के लिए, फियोल के 14 सिद्धांतों को याद करने के लिए एक जनरल ट्रिक, जिसमें हम उनके 14 सिद्धांतों को ऐसे याद कर सकते हैं, डेड यूजेस, रोज आईसीयू, डी से लेकर यू तक, हालांकि ये सीक्वेंस में नहीं है, सीक्वेंस में इस प्रकार का होता है जिसमें डिवीजन ऑफ वर्क पहले नंबर का होता है और एस्पिरेट डी को लास्ट नंबर का होता है। अब हम आगे देखेंगे कि फियोल ने किसी भी औद्योगिक उपक्रम में प्रबंधकीय योग्यताओं की बात की है, तो फियोल के अनुसार कुछ ऐसी मैनेजेरियल स्किल्स होती है यानी प्रबंधकीय कौशल होता है, उस कौशल में 3 प्रकार के कौशल की बात की है फियोल ने। एक होता है अवधारणात्मक, एक होता है मानवीय, एक होता है तकनीकी। जब हम किसी भी संगठन की बात करते हैं तो फियोल कहते हैं कि जो टॉप लेवल होता है, टॉप लेवल
वहाँ पर अवधारणात्मक कौशल की आवश्यकता होती है, और एक होता है मिडल लेवल संगठन में मध्य स्तर, वहाँ पर मानवीय कौशल की आवश्यकता होती है, और एक होता है अपना लोअर लेवल संगठन में लोअर लेवल पर तकनीकी कौशल की आवश्यकता होती है। हम इसको आज के समय से रिलेट कर सकते हैं, जैसे हम आज देखते हैं कि हमें कोई हायर पोस्ट के लिए तैयारी करनी है, कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में, सिविल सर्विसेज में जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए जो टॉप लेवल की जो परीक्षाएं होती है उनमें कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और जो मिडिल लेवल की होती है वहाँ पर थोड़ा मिक्सअप होता है। टॉप लेवल में जो कंसेप्चुअल पूछे जाते हैं वो भी पूछे जाते हैं, और लोअर लेवल के जो टेक्निकल या फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं वो भी पूछे जाते हैं। तो मिडिल लेवल पर मानवीय कौशल की आवश्यकता होती है, और लोअर लेवल के जितने भी पद होते हैं किसी भी संगठन में, वेदर इट इज़ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ पर टेक्निकल वर्क वाले, टेक्निकल स्किल्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वो ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो फेयोल के अनुसार भी प्रबंधकीय कौशल, अवधारणात्मक, मानवीय और तकनीकी, ये तीन कौशल हैं। अवधारणात्मक जो किसी भी संगठन में टॉप लेवल के प्रशासकों या प्रबंधकों के लिए आवश्यक होता है। एक होता है मानवीय कौशल, जिसमें अवधारणात्मक प्रकार की योग्यताएं भी होनी चाहिए और तकनीकी प्रकार का कौशल भी होना चाहिए। एक तकनीकी जो लोअर लेवल पर काम करते हैं उनमें फैक्चुअल चीज़ों को याद रखने की, या जैसे कंप्यूटर से जुड़े हुआ या कोई तकनीक से जुड़ा हुआ कौशल होना चाहिए। तो ये फेयोल के अनुसार मैनेजेरियल स्किल्स हैं, प्रबंधकीय कौशल। तो फेयोल ये भी कहते हैं कि कोई भी संगठन हो, अगर एक व्यक्ति चला रहा है, एक व्यक्ति खुद का कारोबार है उसका और उसको एक व्यक्ति रन कर रहा है, तो उसमें टेक्निकल स्किल्स ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन जब हम किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं या किसी बड़े संगठन को चलाने की बात करते हैं, तब वहाँ पर ये वाली स्किल्स ज़्यादा होनी चाहिए, यानी आपको चीज़ों को मैनेज करना आना चाहिए, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, आपको कंसेप्चुअली उन चीज़ों को डील करना है। तो ये अंतर होता है, अवधारणात्मक कौशल टॉप लेवल पर आवश्यक होता है और तकनीकी कौशल लोअर लेवल पर आवश्यक होता है। ये फेयोल के अनुसार प्रबंधकीय कौशल हैं। फेयोल के अनुसार प्रबंधक या प्रशासक की योग्यताएं, जनरली हर किताब में प्रबंधक शब्द ही मिलता है, यानी मैनेजर शब्द ही मिलता है, लेकिन चूंकि फेयोल प्रबंधन तथा प्रशासन को एक ही मानते हैं, तो प्रबंधक या प्रशासक की क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए। फेयोल कहते हैं कि एक मैनेजर में फिजिकल क्वालिटीज होनी चाहिए, मेंटल क्वालिटीज होनी चाहिए यानी शारीरिक और मानसिक, मोरल क्वालिटीज होनी चाहिए, नैतिक गुण होने चाहिए उसमें, उसकी जनरल एजुकेशन होनी चाहिए, उसका स्पेशल नॉलेज होना चाहिए यानी विशेषज्ञ होना चाहिए वो, और एक्सपीरियंस होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि ये सारी चीज़ें एक में ही मिले, लेकिन आपको जिस तरीके का काम करना है उस हिसाब से आपको प्रबंधक की ये योग्यताएँ धारण करना ज़रूरी है। फिजिकल में कि किसी में संगठन को चलाने के लिए जोश होना चाहिए, उसकी शारीरिक क्षमता ऐसी होनी चाहिए कि वो संगठन में काम कर सके, उसकी मेंटल जो क्वालिटीज़ हैं उसको चीज़ों को समझने की कंसेप्चुअल लेवल पर, वो आपके पास योग्यता होनी चाहिए, नैतिक गुण भी होने चाहिए किसी भी संगठन को चलाने में, आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की, इन सब बातों की और डिसीजन मेकिंग की आपको नैतिक गुण आप में होने चाहिए। कुछ ऐसी जो क्वालिटीज़ होती हैं जो जनरल एजुकेशन से रिलेटेड होती है कि सामान्य समझ हो व्यक्ति में, जिसको हम कॉमन सेंस कह सकते हैं, इसके लिए कोई विशेष ज्ञान या किसी विशेष डिग्री की, किसी विशेष कौशल की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन आपको सामान्य शिक्षा प्राप्त तो होना ही चाहिए, प्रबंधक की ये योग्यता होनी चाहिए।
अगर आप किसी स्पेशल फील्ड में काम कर रहे हैं, किसी टेक्निकल इश्यू पर, तो आपको उसका विशेष ज्ञान होना चाहिए। विशेष ज्ञान होगा तभी वो प्रबंधक उसमें आगे बढ़ पाएगा। एक होता है अनुभव, और वो किसी भी पर्टिकुलर वर्क को, पर्टिकुलर काम को काफ़ी लंबे समय तक करने से आता है। तो ये अनुभव भी प्रबंधक के लिए एक योग्यता है। तो फेयोल के अनुसार प्रबंधक या प्रशासक की 6 योग्यताएं हैं: फिजिकल, मेंटल, मोरल, जनरल एजुकेशन, स्पेशल नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। अब हम टेलर और फेयोल के बारे में देखेंगे कि एग्जामिनेशन में जब ये पूछा जाता है कि टेलर और फेयोल की तुलना कीजिए, कंपैरिजन कीजिए, तो तुलना में हमें समानता और असमानता दोनों चीज़ों का थोड़ा थोड़ा वर्णन करना होता है। बेसिकली हम असमानता का ज़्यादा करते हैं, लेकिन कुछ समान चीज़ें होती है वो भी हमें बतानी पड़ती है। तो टेलर और फेयोल, टेलर का पूरा नाम F.W. टेलर और फेयोल यानी हेनरी फेयोल, इनमें क्या क्या चीज़ें ऐसी है जो समान है? तो सबसे पहले हम समान चीज़ों को देखेंगे। दोनों ही पेशे से इंजीनियर थे, इंजीनियर अभियंता। दोनों के पास काम करने का बहुत लंबा विशद अनुभव था, वेल एक्सपीरियंस्ड इन देयर प्रोफेशन, और उन्होंने दोनों ने जो भी विचारधाराएं दी हैं उनमें उनका अनुभव झलकता है। दोनों ही कंटेम्प्रेरी यानी एक ही समय में लगभग एक ही समय में दोनों ने काम किया है। एक ने USA में काम किया था, दूसरे ने फ्रांस में काम किया था। दोनों ने वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया है, टेलर को तो वैज्ञानिक प्रबंध का जनक कहा जाता है, और फेयोल ने भी एक सिस्टेमेटिक स्टडी करी है, उसके आधार पर सिद्धांत बनाए हैं। और एक कार्मिक प्रशासन पर, यानी दोनों ने जो काम किया है ना वो संगठन में किया है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। एक ने संगठन के लोअर लेवल पर काम किया, एक ने संगठन के हायर लेवल पर काम किया। दोनों ने जो भी काम किया है, दोनों ने एक चीज़ को माना है, टेलर और फेयोल ने, और वो ये बात थी कि किसी भी संगठन की प्रभावशीलता को बढ़ाने में जो कर्मचारी लोग होते हैं, कार्मिक होते हैं, उनकी समस्याओं का सबसे बड़ा योगदान होता है। अगर कार्मिकों की समस्या को बहुत ही अच्छी तरीके से संभाल लिया जाए तो कोई भी संगठन होता है उसकी उत्पादकता में, प्रभावशीलता में, क्रियाशीलता में हम वृद्धि कर सकते हैं, किसी भी संगठन को हम ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। तो ये दोनों में एक खास बात थी कि दोनों ने कार्मिक प्रशासन की कुंजी बताया है कार्मिकों की समस्याओं का बेहतर प्रबंध करने को। दोनों ही अपने काम में, यानी दोनों के योगदान हैं वो आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है, विरोधी नहीं है, वो एक दूसरे के विरोधी नहीं है। टेलर और फेयोल, वो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। 1925 में फेयोल ने एक इंटरनेशनल सम्मेलन में, एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में ये स्वीकार किया था कि मेरा कार्य टेलर के काम का पूरक है। खुद हेनरी फेयोल ने ये स्वीकार किया था कि मेरा कार्य टेलर के काम कार्य का विरोधी नहीं है, उसका पूरक है। दोनों ने ही ट्रेनिंग को बहुत ही ज़रूरी चीज़ बताया है। दोनों ने ये बताया है कि प्रबंध की एक कौशल है, उसके लिए रेगुलर ट्रेनिंग होनी चाहिए। प्रशिक्षण से किसी भी व्यक्ति में प्रबंध की एक कौशल का विकास किया जा सकता है। यानी ट्रेनिंग क्यों दी जाती है, तो ट्रेनिंग का रेशनल उन्होंने ये बताया है कि ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है टू डेवलप मैनेजेरियल स्किल्स। उन्होंने प्रबंध की यूनिवर्सैलिटी, सार्वभौमिकता पर बल दिया है। हालांकि फेयोल ने सिद्धांतों की सार्वभौमिकता पर ज़्यादा बल दिया है, लेकिन फिर भी टेलर ये मानते हैं कि अब हमारे सामने एक ही प्रकार का प्रशासन है, और इस बात को बड़ी प्रमुखता से रखा था फेयोल ने। फेयोल के सिद्धांत हैं जो प्रशासन के, वो सार्वभौमिकता लिए हुए हैं। दोनों ने इस चीज़ में बल दिया है कि प्रबंध है उसकी सार्वभौमिकता को हम आगे बढ़ाएंगे या सार्वभौमिकता की बात करेंगे। दोनों ने ही
म्यूचुअल कॉपरेशन, आपसी सहयोग। संगठन में दो पक्ष होते हैं, एक होता है मैनेजमेंट और एक होता है वर्कर्स, यानी एक तो काम करने वाले लोग होते हैं और एक मालिक लोग होते हैं, प्रबंधक लोग होते हैं। तो प्रबंधक और श्रमिक दोनों में सहयोग होना चाहिए, दोनों ने ही सहयोग की बात की है, चाहे वो टेलर हो चाहे फेयोल हो। जब टेलर मानसिक क्रांति की बात करते हैं तब वो सहयोग की बात करते हैं, जब फेयोल मानवीय गुणों को केंद्रीय स्थान देते हैं अपने 14 सिद्धांतों में तब वो सहयोग की बात करते हैं। फेयोल का तो 14वां सिद्धांत ही टीम स्पिरिट है, एस्पिरी डी को, कि बिना सहयोग के, बिना टीम स्पिरिट के संगठन में कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो ये टेलर और फेयोल में कुछ बेसिक सिमिलैरिटीज हैं, कुछ आपके समानता की बातें हैं। अब इनमें डिफरेंसेस भी हैं, अंतर भी हैं। तो टेलर और फेयोल में कौन कौन से डिफरेंसेस हैं वो देख लेते हैं। टेलर यूएसए के थे, फेयोल फ्रांस के थे। टेलर मैकेनिकल इंजीनियर थे और फेयोल माइनिंग इंजीनियर थे, ये खनन अभियंता थे और ये यांत्रिक या मैकेनिकल इंजीनियर थे। टेलर की थियरी माइक्रो थियरी थी, माइक्रो थियरी यानी इन्होंने बहुत ही छोटे स्तर पर काम किया है, संगठन में अलग अलग स्थानों पर बहुत छोटे स्तर पर काम किया, इसीलिए इसको सूक्ष्म सिद्धांत माइक्रो थियरी कहते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट को। जबकि फेयोल की जो थियरी थी वो मैक्रो थियरी थी, वृहद स्तर पर, बड़े स्तर पर। इन्होंने पूरे संगठन में एक साथ इस फेयोल के द्वारा प्रतिपादित थियरी को जनरल थियरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, प्रशासन का सामान्य सिद्धांत। टेलर की थियरी माइक्रो थियरी एंड फेयोल की थियरी मैक्रो थियरी। टेलर का कार्यकाल था 1856 से 1915 में, ये टेलर का कार्यकाल था। और फेयोल का कार्यकाल था वो था 1841 से 1925 तक। टेलर ने वर्कर्स पर एम्फेसिस डाला, यानी टेलर का काम है वो बॉटम लेवल पर है, निचले स्तर पर है, जबकि फेयोल का काम है वो टॉप लेवल पर है। फेयोल का काम टॉप लेवल पर है जबकि टेलर का काम है वो बॉटम लेवल पर है। टेलर की अप्रोच है बॉटम टू टॉप, यानी नीचे से ऊपर की ओर, और फेयोल की अप्रोच है टॉप टू बॉटम। फेयोल ऊपर के हिस्से से लेकर नीचे तक काम करने में यकीन करते हैं, टॉप टू बॉटम, टॉप डाउन थियरी कहते हैं इसको। जबकि टेलर हैं वो बॉटम अप थियरी में बिलीव करते हैं, यानी बॉटम से लेकर टॉप, यानी निचले लेवल पर ज़्यादा काम करेंगे, बॉटम टू टॉप, बॉटम अप थियरी। टेलर को फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता है, वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक कहा जाता है, और फेयोल को प्रशासनिक सिद्धांतों का या आधुनिक प्रबंध का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव थियरी, फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव आइडियाज, फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। यहाँ हमें ये ध्यान रखना है कि शास्त्रीय सिद्धांत की जो विचारधारा थी ये संगठन की एक विचारधारा है, वैज्ञानिक प्रबंध की विचारधारा थी ये संगठन की दूसरी विचारधारा है, इसी प्रकार संगठन की एक नौकरशाही विचारधारा है, इसी प्रकार संगठन की एक मानव संबंध विचारधारा है। तो हमें विचारधारा का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति की बात करनी है। हम शास्त्रीय सिद्धांत की जो विचारधारा थी उसमें सबसे बड़ा योगदान था फेयोल का। फेयोल को प्रशासनिक सिद्धांत विचारधारा का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव थियरी, प्रशासनिक सिद्धांतों का जनक, फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव आइडियाज, प्रशासनिक विचार की जो सिद्धांत थे उनका जनक, और फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, आधुनिक प्रबंध के जनक कहे जाते हैं हेनरी फेयोल। और टेलर को कहा जाता है फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक। टेलर मूल रूप से यानी प्रकृति से एक साइंटिस्ट थे, यानी एक वैज्ञानिक थे, जबकि फेयोल एक प्रैक्टिशनर या एडमिनिस्ट्रेटर थे, यानी एक प्रशासक के रूप में, एक प्रैक्टिशनर के रूप में जाने जाते हैं। तो ये टेलर और फेयोल के बीच डिफरेंसेस हैं। हेनरी फेयोल के कुछ
ऐसे वन लाइनर क्वेश्चन अगर हम देखें, वन लाइनर क्वेश्चन, तो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे शास्त्रीय सिद्धांत का विकास कब हुआ। तो हमें पता है कि 20वीं सदी का जो फर्स्ट हाफ है, यानी पूर्वार्ध में हुआ, 20वीं सदी का जो फर्स्ट हाफ है उसमें हुआ। इस समय प्रशासन का, लोक प्रशासन का जो विकास का काल था उसमें सेकंड चरण चल रहा था। फर्स्ट चरण तो था राजनीति प्रशासन द्विभाजन, और दूसरा चरण था प्रशासन के सिद्धांत निर्माण का काल। उस समय शास्त्रीय सिद्धांत का विकास हुआ। शास्त्रीय सिद्धांत की विचारधारा में बहुत सारे विचारकों ने योगदान दिया, जिसमें हेनरी फ्योल, लूथर गुलिक, उर्विक, जे डी मुने, ए सी रेले, मेरी पार्कर फोलेट और आर सेल्टन थे। उसमें से सर्व प्रमुख योगदान था वो हेनरी फ्योल का था, जिनको प्रशासनिक सिद्धांतों की विचारधारा का जनक कहा जाता है। हेनरी फ्योल किस देश के थे? तो हेनरी फ्योल फ्रांसीसी थे, फ्रांसीसी खनन अभियंता, पेशे से इंजीनियर थे, खनन अभियंता थे। शास्त्रीय सिद्धांत यानी क्लासिकीय सिद्धांत या क्लासिकल थियरी के अन्य नाम क्या हैं? परंपरागत सिद्धांत कहते हैं इसको, यानी शास्त्रीय सिद्धांत को ही परंपरागत विचारधारा कहते हैं। संगठन की परंपरागत विचारधारा कौन सी है? संगठन की क्लासिकल थियरी है। संगठन की स्ट्रक्चरल थियरी, संरचनात्मक सिद्धांत। अब हमें इसको ऐसे देखना है कि जब टेलर, फ्योल जैसे ये लोग इंजीनियर थे, तो इंजीनियर का काम कुछ कुछ संरचनाओं से, कुछ कुछ ढांचे से जुड़ा होता है। औपचारिक संगठन सिद्धांत, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन थियरी, औपचारिक संगठन सिद्धांत शास्त्रीय विचारधारा का ही नाम है। इसमें रूल्स को बहुत ज़्यादा फॉलो किया जाता है, और ये संरचना, परंपरा, इन सब से मिलता जुलता नाम है। इसी को यांत्रिक सिद्धांत भी कहते हैं, मैकेनिकल। और जब इंजीनियर इस सिद्धांत को दे रहे होते हैं तो यांत्रिक की तो उनसे उम्मीद की जा सकती है। और इसको प्रबंधन प्रक्रिया स्कूल कहा जाता है, और प्रशासनिक प्रबंधन सिद्धांत भी कहा जाता है शास्त्रीय विचारधारा को। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्च एवं साइमन ने इस शास्त्रीय विचारधारा का एक मशीन के रूप में, मशीनी संगठन के रूप में, मशीनी संगठन के रूप में अध्ययन किया था। मार्च एवं साइमन ने शास्त्रीय विचारधारा का एक मशीनी संगठन के रूप में अध्ययन किया था, तब उन्होंने प्रशासनिक प्रबंधन सिद्धांत इसको नाम दिया था। प्रशासनिक सिद्धांत विचारधारा के जनक हेनरी फ्योल कहे जाते हैं। फ्योल की पुस्तक, फ्योल की एक वेरी इंपॉर्टेंट बुक है, जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। अक्सर फ्योल के बारे में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। ये पुस्तक सबसे पहले मूल रूप से 1916 में फ्रेंच भाषा में लिखी गई थी, फिर 1929 में इसका अंग्रेजी में अनुवाद हुआ। फ्योल की पुस्तक में, मूल पुस्तक में मैनेजमेंट शब्द नहीं था। फ्योल की पुस्तक में नाम था एडमिनिस्ट्रेशन, शुरू में इसका नाम था एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन बाद में जब इसका अंग्रेजी संस्करण आया तब इसका नाम मैनेजमेंट कर दिया गया, एडमिनिस्ट्रेशन की जगह जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। फ्योल की वो पुस्तक थी जिसमें फ्योल ने प्रशासन के 14 सिद्धांतों का वर्णन किया है, प्रबंध के 5 तत्वों का या प्रशासन के 5 कार्यों का उल्लेख किया है, औद्योगिक गतिविधि की 6 क्रियाओं का, 6 कार्यों का वर्णन किया है। उसमें ही इन्होंने ये बताए हैं कि प्रबंधक के 6 गुण होने चाहिए, 6 उसमें योग्यताएं होनी चाहिए। और इसी में उन्होंने बताया है कि प्रबंध की एक कौशल में अवधारणात्मक, मानवीय और तकनीकी कौशल भी होने चाहिए। तो फ्योल की इस पुस्तक में, समस्त फ्योल के बारे में जितना भी लिटरेचर मिलता है वो सारा इसी पुस्तक में है, तो वेरी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इस पुस्तक की जो प्रस्तावना थी फॉरवर्ड, वो एल उर्विक, बहुत सी हिंदी की किताबों में इसको अरविक भी लिखा हुआ मिलता है, अरविक। तो चाहे इसको अरविक कहें या उर्विक कहें, कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता। एल उर्विक ने इस पुस्तक की प्रस्तावना लिखी है, वेरी इंपॉर्टेंट। फ्योल की पुस्तक के कितने भाग प्रकाशित हुए? टोटल जब फ्योल लिख रहे थे तो वो ऐसे उसमें बोलते हैं कि 4 भाग हैं, लेकिन प्रकाशित 2 ही हुए थे, फर्स्ट एंड सेकेंड,
जब भी प्रकाशित होते हैं तो सबको पता है कि फर्स्ट एंड सेकंड ही होते हैं, थर्ड और फोर्थ तो बाद में लिखे जाते हैं, इसलिए तीसरा और चौथा भाग कभी पब्लिश हुए ही नहीं। पहला और दूसरा ये दो भाग पब्लिश हुए थे, पुस्तक के चार भाग थे टोटल। शास्त्रीय सिद्धांत या विचारधारा के अन्य समर्थकों का नाम लूथर गुलिक, उर्विक, जे डी मुन्ने, ए सी रेले, एम पी फोलेट, मैरी पार्कर फोलेट और आर सेल्टन, ये शास्त्रीय सिद्धांत का सपोर्ट करने वाले विचारक हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा योगदान दिया है वो दिया है हेनरी फ्योल ने। क्लासिकल थियरी के प्रोपाउंडर प्रवर्तक हेनरी फ्योल है, शुरू किसने किया, हेनरी फ्योल ने, और हेनरी फ्योल को प्रशासनिक सिद्धांतों का जनक माना जाता है। शास्त्रीय सिद्धांत काल का चरम कब आया, 1937 में। पहला जो चरण था वो था राजनीति प्रशासन द्विभाजन का, जो सेकंड चरण था वो था प्रशासन के सिद्धांतों का स्वर्ण काल, प्रशासन के सिद्धांत बनाए जाने का स्वर्ण काल कहते हैं इस काल को। तो प्रशासन के सिद्धांतों का जो स्वर्ण काल था, चरम था, वो कब आया, 1937 में। उस समय क्या हुआ था ऐसा, उस समय गुलिक और उर्विक की एक रचना पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये पब्लिश हुई थी 1937 में। इसी समय शास्त्रीय सिद्धांत काल का चरम कहा जाता है। उसके बाद ग्राफ ऐसे आया, 1937 में सिद्धांत निर्माण की प्रक्रिया ऐसे हाई पर थी और उसके बाद ऐसे आ गए नीचे, यानी वहाँ से पतन होना शुरू हो गया था, क्योंकि अगला चरण आना था, साइमन को आलोचना करनी थी। इस हिसाब से फ्योल के अनुसार प्रशासन और प्रबंध दोनों का क्या संबंध है, दोनों एक समान है, कोई भी भेद नहीं है दोनों में। एडमिनिस्ट्रेशन इज इक्विवेलेंट टू मैनेजमेंट, ए इज इक्वल टू एम, कोई भेद नहीं है, प्रशासन और प्रबंध एक ही है। फ्योल के अनुसार प्रशासन क्या है, ए यूनिवर्सल प्रोसेस, एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। फ्योल के कुछ कोटेशन हैं जो परीक्षाओं में डायरेक्टली पूछे जाते हैं, उसमें से एक है वेरी फेमस, वो कहते हैं, अब हमारे सामने कई प्रशासनिक विज्ञान नहीं है, केवल एक ही प्रशासन है जिसको सभी मामलों में लागू किया जा सकता है, चाहे वह सरकारी संगठन हो चाहे निजी संगठन। ये कथन हेनरी फ्योल का है कि हमारे सामने कई प्रकार के प्रशासनिक विज्ञान नहीं है, एक ही प्रकार का प्रशासन है। हेनरी फ्योल का काल 1841 से 1925 में, और जो भी काम किया है हेनरी फ्योल ने वो अपने जीवन के अंतिम दिनों में किया है, और उनके पास बहुत लंबा अनुभव था। फ्योलवाद कहते हैं एक ऐसी विचारधारा जो फ्योल के सिद्धांतों पर आधारित हो, यानी फ्योल की विचारधारा को फ्योलवाद कहते हैं, इसको प्रशासनिक सिद्धांत विचारधारा भी कहते हैं। फ्योल को नोबेल पुरस्कार मिला 1921 में। लोक प्रशासन में दो थिंकर ऐसे हुए हैं, दो विचारक ऐसे हुए हैं जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है, एक फ्योल थे और दूसरे थे साइमन। साइमन को अर्थशास्त्र का नोबेल दिया गया था और फ्योल को धातुकर्म में नोबेल मिला था, मेटल वर्क पर। तो इंजीनियर थे और खनन अभियंता, यानी खान में इंजीनियर थे, बड़ी पोस्ट पर थे, मेटल वर्क तो रिसर्च कर रहे थे वहाँ, तो उस मेटल पर धातुकर्म में शोध कार्य कर रहे थे, उसके लिए नोबेल मिला था, प्रशासन का नोबेल नहीं मिला था। ये ध्यान रखना है कि फ्योल और साइमन को नोबेल पुरस्कार मिला है लोक प्रशासन के क्षेत्र में, लेकिन उनको लोक प्रशासन पर नहीं मिला है, धातुक्रम में शोध करने पर नोबेल पुरस्कार मिला है 1921 में फ्योल को, और साइमन को 1978 में, जहाँ तक मुझे याद है, और वो अर्थशास्त्र के लिए उनको दिया गया था। फ्योल के अनुसार कोई भी संगठन होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या कोई भी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग होती है, उसकी 6 गतिविधियाँ होती है, और उन 6 गतिविधियों को फ्योल ने टेक्निकल, कॉमर्शियल, फाइनेंशियल, सिक्योरिटी, अकाउंटिंग एंड मैनेजेरियल में बांटा है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, 6, 5, 14, ये आपको याद रखने चाहिए कि फ्योल जब भी पढ़ेंगे तो हमें 6, 5, 14 ये चीज़ें याद रखनी पड़ेगी। 6 क्या है, औद्योगिक उपक्रम की गतिविधियाँ हैं, 5 क्या है, प्रशासन या प्रबंध के कार्य हैं या तत्व है, 14 क्या है, सिद्धांत है, प्रशासन के सिद्धांत।
छह गतिविधियां हैं, पांच कार्य या तत्व है और 14 सिद्धांत है। तो जो छह गतिविधियां हैं इसमें जो छठी गतिविधि है वो है मैनेजेरियल यानी प्रबंधकीय गतिविधि, और प्रबंधकीय गतिविधि में ये पांच काम शामिल किए जाते हैं, यानी इनको प्रबंध के कार्य कह दो या प्रबंध के तत्व कह दो, POCCC, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कमांड, कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल, ये पांच कार्य या तत्व हैं प्रशासन के। प्रशासन के जो सिद्धांत हैं या प्रबंध के जो सिद्धांत हैं वो संख्या में 14 है, और उनमें डिवीजन ऑफ वर्क है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी या सीधा अथॉरिटी कहें, प्राधिकार, फिर डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, ये चार तो सीक्वेंस से है। पहला डिवीजन ऑफ वर्क कार्य विभाजन, दूसरा अथॉरिटी यानी प्राधिकार, तीसरा डिसिप्लिन अनुशासन, चौथा यूनिटी ऑफ कमांड आदेश की एकता, पांचवा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन निर्देशों में एकता, छठा सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट यानी व्यक्तिगत हितों का सामान्य हित के अधीन होना, यानी संगठन पहले आएगा व्यक्तिगत हित बाद में रखे जाएंगे, ये छठा सिद्धांत है। सातवां हो गया रिम्यूनरेशन यानी पारिश्रमिक, और फियोल ने छह प्रकार के पारिश्रमिकों का जिक्र किया है, टाइम रेट, पीस रेट, जॉब रेट, और कुछ ऐसे जैसे इंसेंटिव हैं जो कर्मचारियों को फाइनेंशियली भी दिए, नॉन फाइनेंशियल जो इंसेंटिव हैं वो भी दिए जा सकते हैं, जैसे किसी को कोई प्रोत्साहन राशि देनी है। तो ये सब फियोल ने छह प्रकार के पारिश्रमिकों का जिक्र किया है कि छह प्रकार से दिया जा सकता है, उसमें टाइम, जॉब रेट, पीस रेट ये सब है, और इन पीस रेट्स की बात टेलर ने भी की है। तो ये हो गया रिम्यूनरेशन। फिर सेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन कहें या केवल केंद्रीकरण कहें, फिर स्केलर चेन यानी पद सोपान का दूसरा नाम स्केलर चेन, फिर ऑर्डर व्यवस्था, इक्विटी, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल, और उसके बाद इनिशिएटिव है, और इक्विटी के बाद आता है एस्पिरेडिको, एस्पिरेडिको यानी टीम स्पिरिट, ये सबसे लास्ट में आता है इनिशिएटिव के बाद 14 नंबर पे, ये लास्ट में आता है। तो ये एक ट्रिक जिसको याद करने में थोड़ा सा इजी लगेगा, डैड यूजेस रोज ICU, ये कोई अलग अलग स्टूडेंट होते हैं वो अपने हिसाब से याद कर सकते हैं, डैड यूजेस रोज ICU। हेनरी फियोल ने प्लानिंग के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया है, वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रीवॉयर एंड प्रीवॉयंस, और इसका मतलब होता है आगे की ओर देखना, आगे की ओर देखना या उच्च दृष्टि, प्लानिंग के लिए प्रीवॉयर एंड प्रीवॉयंस वर्ड का यूज किया है। फियोल के अनुसार किसी भी प्रशासक की छह विशेषताएं, गुण या कुशलताएं हैं, शारीरिक, मानसिक, नैतिक, सामान्य शिक्षा, विशेष ज्ञान और अनुभव। यानी कोई भी प्रबंधक होता है, प्रशासक होता है, तो शारीरिक, मानसिक, नैतिक, सामान्य शिक्षा, विशेष ज्ञान और अनुभव, ये छह प्रकार की विशेषताएं उसमें होनी चाहिए, और सबसे लास्ट में तीन प्रकार की अवधारणाएं या क्षमताएं या कौशल की बात करते हैं फियोल, अवधारणात्मक, मानवीय और तकनीकी, टॉप लेवल पर कंसेप्चुअल स्किल्स होनी चाहिए, और मिडिल लेवल पर आपके पास मानवीय स्किल्स होनी चाहिए ह्यूमेन, और लोअर लेवल पर आपके पास टेक्निकल स्किल्स होनी चाहिए। तो ये फियोल बताते हैं तीन प्रकार की क्षमताओं एवं कौशल के बारे में। तो ये फियोल के जितने भी कॉन्सेप्ट थे उसके हिसाब से आपका ये कंप्लीट होता है। सभी को धन्यवाद।